गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन टू द डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉर 30th of June 2020। तो गाइज आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस में हम बात करने जा रहे हैं इसराइल पैलेस्टीन डिस्प्यूट की एंड हमारे जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं मिस्टर अंसारी, तो उनका जो आर्टिकल है एडिटोरियल है उसको हम डील करेंगे। इसराइल पैलेस्टीन, इसराइल ने एक प्लान बनाया है कि इसराइल को पैलेस्टीन को एनेक्स करने का जो प्लान है उसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आज के DNA में। एंड अनलॉक 2 रूल्स अनवील्ड, अनलॉक 2 रूल्स क्या हैं जो जुलाई 1st 2020 से अप्लाई होने जा रहे हैं उनके बारे में डिस्कशन रहेगा। क्लैरिफाई कर्ब्स ऑन 3500 तबलीगीज, ये भी एक डिस्कशन रहेगा। इंडिया चाइना कमांडर्स टू होल्ड टॉक्स, टिकटॉक अमंग 59 एप्लीकेशन, जो कि कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया क्योंकि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कम्स अंडर दी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ दी सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो ये डिसीजन लिया गया। टिकटॉक और वी चैट जैसी जो एप्लीकेशंस हैं उनको बैन किया जा रहा है इंडिया में। एंड देन DGCI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अप्रूवल फॉर ह्यूमन ट्रायल्स ऑफ कोवैक्सीन, ये एक और ड्रग को अप्रूवल दिया गया है इसके चलते, COVID-19 के चलते। नाउ ये सारे डिसीजन, छोटी छोटी जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। ऑटो एक्सपोर्ट्स टम्बल 73% ऑन दी बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन इफेक्ट, डिलेड ऑर्डर्स, ये सोसाइटी फॉर इंडियन ऑटोमोबाइल्स का कहना है जो कि एक यू नो बिजनेस लॉबिंग ग्रुप है या फिर हम ये कहें कि इंटरेस्ट ग्रुप है। तो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का डेटा भी ये बताता है कि ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया फेल 73% बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन इफेक्ट। और इसी से रिलेटेड जो न्यूज़ आर्टिकल है इंटरट्वाइंड है, गवर्नमेंट प्लान्स टू लिफ्ट ऑटो एक्सपोर्ट, सोर्सेज का ये कहना है। तो आज के एडिटोरियल्स काफ़ी अच्छे हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स छोटी छोटी सी क्लिपिंग्स हैं जिनको हम देखेंगे, लेकिन ये छोटी न्यूज़ क्लिपिंग्स में भी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, जैसे कि डज गिलानीज रेजिग्नेशन मार्क्स वेनिंग ऑफ सेपरेटिज्म। आर्टिकल 370 के रूप में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया था अगस्त 2019 में, उसी का ये इफ़ेक्ट माना जा रहा है कि गिलानी जो अहम लीडर है, सेपरेटिस्ट लीडर है जम्मू एंड कश्मीर में, अलगाववादी नेता का रिज़ाइन करना, इसका मतलब कि हमारा जो पॉलिटिकली आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने का इंडियन गवर्नमेंट का स्टेप था वो कारगर साबित होते हुए नज़र आ रहा है यहाँ पर। इंडिया भूटान से रिलेटेड एक न्यूज़ आर्टिकल है, इंडिया भूटान साइन पैक्ट फॉर दी फर्स्ट जॉइंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। 2009 में शुरू हुआ ये मैटर, 2020 में कंप्लीट होने जा रहा है। 2008 वाज द ईयर व्हेन इंडिया भूटान हैड साइंड अ पैक्ट फॉर द जॉइंट हाइडल पावर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, नाउ इट इज कल्मिनेटिंग फाइनली। नाउ TN कस्टोडियल डेथ्स हाईलाइट द नीड फॉर पुलिस रिफॉर्म्स। सो CHRI जो कि एक NGO है, सेंटर फॉर ह्यूमन रिसोर्स, ये जो इन्होंने ये लिखा है कि तमिलनाडु का कस्टोडियल डेथ्स, इसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे सेक्शन 55 और 57, ये भी एनालिटिकल डिस्कशन रहेगा इस पर हमारा कि क्यों ऐसा है कि कस्टोडियल डेथ्स इंडिया में होती हैं। इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे UN CAT की, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी बट इंडिया हैज़ नॉट रैटिफाइड दिस कन्वेंशन, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं गाइस। नाउ अलगाववादी मीन्स सेपरेटिस्ट लीडर, राइट। ईरान इश्यूज अरेस्ट वारंट अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है मोस्ट वांटेड है ईरान में, क्योंकि सोलेमानी के असैसिनेशन में जो ईरान के अहम लीडर थे, कमांडर थे सोलेमानी, उनको मारने के चलते ईरान ने इंटरपोल को एक रेड नोटिस इशू किया है कि डोनाल्ड ट्रंप जहाँ भी मिलें उन्हें लपक लिया जाए। ना UN डिक्लेरेशन डिलेड ओवर क्लाइमेट टेक्स्ट, तो USA इसे डिले कर रहा है कि क्लाइमेट का जिक्र क्यों है। 75th कोमेमोरेटिव जो समिट जो चल रही है UN की, उसके चलते यूनाइटेड नेशंस के 75 ईयर्स कंप्लीट होने के चलते ये डिस्कशन रहेगा। और हम इसमें ये भी देख सकते हैं, एक क्वेश्चन भी देखेंगे साथ साथ कि क्यों हमारा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है UPSC मेंस के लिए, खासकर तब जबकि इंडिया को 2021 में 2 years की जो नॉन परमानेंट मेंबरशिप है वो मिलने जा रही है। इंडिया हैज़ ऑलरेडी बीन इलेक्टेड फॉर दैट पोस्ट। तो इस केस में असेस द परफॉर्मेंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस ओवर द लास्ट 75 ईयर्स, ये चीज़ ज़रूरी हो जाएगी। इजराइल्स एनेक्सेशन प्लान्स आर इसराइल के जो एनेक्सेशन प्लान्स है वो इलीगल है, इस पर भी हम बात करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और ये सारा जो ओपोजिशन का चार्ज है कि सरकार जो है तेल के दाम बढ़ा के फिरौती की रकम वसूल कर रही है, ये कहना है मैडम सोनिया गांधी का। इसके जवाब में भी कुछ चीज़ें अच्छी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हमें बताई हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने, तो वो भी डिस्कस करेंगे। विल फ्री ग्रेन्स स्कीम जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, क्या वो फ्री ग्रेन्स की जो स्कीम है क्या वो कंटिन्यू करी जाएगी या नहीं, राइट? सो ये सब चीज़ें हैं। देन गवर्नमेंट मस्ट अलाउ एयरलाइंस द कमर्शियल फ्रीडम, एयरलाइंस को कमर्शियल फ्रीडम नहीं दिया जाता। बैगेज फ्री ट्रैवल के लिए कुछ कुछ स्कीम्स कुछ कंपनीज लाना चाहती हैं, स्पाइस जेट या इंडिगो जैसी छोटी कंपनीज, बट उन्हें इंडिया में इतना भी फ्रीडम नहीं है कि वो अगर किसी कस्टमर को बैगेज फ्री या विदाउट कोई बैगेज विदाउट लगेज कोई कस्टमर जाता है तो उसे 200 रुपये का 300 रुपये का डिस्काउंट दे के उस कार्गो स्पेस को 15 किलो की स्पेस को पर कस्टमर पर एयर फ्लायर, अगर वो कंपनी किसी कार्गो कंपनी को जो है वो स्पेस ऑफ़र करके कार्गो ट्रांसपोर्ट करने से ज़्यादा पैसा कमाना चाहती है तो इंडिया में इसका भी फ्रीडम नहीं है। और ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी दी एविएशन कंपनीज द सिविल एविएशन कंपनीज आर एलिंग इन इंडिया, राइट? दे आर ऑलरेडी ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। सो गवर्नमेंट को एक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को एक शुरुआत करनी चाहिए कि अब इनको थोड़ा कमर्शियल फ्रीडम दिया जाए। नाउ गवर्नमेंट प्लान्स इंसेंटिव्स टू लिफ्ट ऑटो एक्सपोर्ट्स, स्टार्ट करते हैं गाइस। जिन लोगों को नहीं पता, ये इंडियन इकोनॉमी का कोर्स है फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस 2020। तो जिस अंदाज में हम डीएनए में इकोनॉमिक्स को पॉलिटी को समझते हैं, मेरे सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि आप ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में, राइट, एक एन्जॉय करते हुए चीज़ों को समझ सकते हैं इन कोर्सेज़ में। और ये कोर्सेज़ हैं जो सारे डायनामिक कोर्सेज़ हैं गाइज, राइट? तो आप लोग जो चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। जतिन YT71 कोड अप्लाई करने पे आपको 10% इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। नाउ कमिंग हियर, UPSC CSE आपको चूज़ करना होता है एंड यू हैव टू क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन इन ऑर्डर टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन। तो स्टार्ट करते हैं गाइज क्विकली। ये है इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स, इसको हम थोड़ा सा आज देखेंगे। एंड नागा पीस अकॉर्ड, इस पे भी जो क्रिटिकल कमेंट्री है हिंदू की, इसको इस सेकंड पार्ट को हम यहाँ पे रीड करेंगे। यहाँ पे मैडम ने बहुत अच्छा लिखा है इस एडिटोरियल में, ग्रेन अ प्लेंटी एंड द क्राइसिस ऑफ हंगर। तो जब फूड ग्रेन्स देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ स्टॉक अवेलेबल विद द FCI, देन वाई देयर इज़ सच अ फस अराउंड फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स। एंड ये कहना कि हम वन नेशन वन राशन कार्ड की बात कर रहे हैं ऐसे कोविड-19 के क्राइसिस के टाइम पे, व्हेन व्हाट इज नीडेड इज अ यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नाउ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट it is the right juncture, is India at the right juncture to offer fundamental right to food? क्या फंडामेंटल राइट टू फूड इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया एक सही टाइम पे है, सही मुकाम पे है? काफ़ी अच्छा ये थॉट है कि जिस टाइम पे चाहिए आम तुम दे रहे हो इमली, मतलब वन नेशन वन राशन कार्ड अभी बोल रहे हो कि इम्प्लीमेंट कर देंगे तो उससे प्रॉब्लम हल हो जाएगी। तो वन नेशन वन राशन कार्ड का क्वेश्चन अपने आप ही डेमोलिश हो जाता है, डिसमेंटल हो जाता है अगर हम यूनिवर्सली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एप्लीकेबल कर दें। जो भी हो जहाँ भी हो उसे उसका राशन मिल जाएगा, है ना? ONOC का आइडिया आज से 3 साल पहले अच्छा था, जब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया था, या जब हमारे प्राइम मिनिस्टर या फिर आधार एक्ट जब लाया गया था 2016 में, और जनधन आधार मोबाइल ट्राइनिटी किया गया था, जब इन तीनों चीज़ों को लिंक कर दिया गया था, जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल को। तो जब मोबाइल नंबर्स की सीडिंग आधार नंबर के साथ में हो चुकी थी तो ये राशन कार्ड वाला आइडिया तभी इम्प्लीमेंट करा जाना चाहिए था। अब ये आइडिया डिले स्टेप हम इसे कह सकते हैं ना। अब आगे देखेंगे, द स्टार्स प्रोजेक्ट नीड्स एन ओवरऑल, इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग द स्टेट कैपेबिलिटी द वर्ल्ड बैंक एजुकेशन प्रोजेक्ट है स्टार्स। द वर्ल्ड बैंक एजुकेशन प्रोजेक्ट गिव्स अ लार्जर रोल टू द नॉन स्टेट एक्टर्स, यानी कि इनका ये कहना है, सिंपल सा थॉट यहाँ पे ये है, जो लोग ऑलरेडी स्टार्स प्रोग्राम के बारे में पढ़ चुके हैं, कि स्टेट कैपेबिलिटी इन द एरिना ऑफ एजुकेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है, राइट? वाई इज़ द स्टार्स अप्रोच टू बिल्ड स्टेट कैपेसिटी फ्लॉड? फर्स्ट, इट फेल्स टू एड्रेस द बेसिक कैपेसिटी इशू। major vacancies across the education system from District Institute of Education and Training, District and Block Education Officers to teachers in school remain unaddressed. ठीक है, विदाउट केपेबल एंड मोटिवेटेड फैकल्टी टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव. सिमिलरली एट द ब्लॉक लेवल एंड ऑलरेडी ओवरबर्डन ब्यूरोक्रेसी कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म मिरेकल्स विदाउट अ सब्सटैंशियल इंक्रीज इन द ट्रेन्ड मैन पावर. राइट, सपोर्ट स्टाफ. तो स्टार्स एक एजुकेशन के एरिना में ये प्रोग्राम लाया गया है, वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर्ड है, जिसमें कि एजुकेशन को एक फिलिप देने की कोशिश की जा रही है. लेकिन राइटर यहाँ पे कह रहे हैं एक तो ये कि आप जो वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है स्टार्स, इट फेल्स टू एड्रेस द बेसिक कैपेसिटी इश्यूज, वैकेंसीज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एंड टीचर्स वैकेंसीज. अब अगर आप ब्यूरोक्रेट को एम्पावर भी कर दो, पैसा भी दे दो, तब भी क्या हो जाएगा अगर टीचर ही मोटिवेटेड नहीं है, अगर सफिशेंट स्टाफ टीचिंग स्टाफ ही आपके पास में नहीं है. Second, the World Bank ignores that decentralizing decision making requires devolution of funds and real decision making power. Greater decentralization can allow accountability to flow to the people rather than to supervising officers. Is this clear? तो ये काफ़ी चर्चा में चल रहा है स्टार्स प्रोग्राम, तो इसका आज क्रिटिसिज्म यहाँ पे हम देख सकते हैं. जस्ट वन मिनट. तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ और बता देता हूँ. $500 मिलियन का जो वर्ल्ड बैंक ने ये प्लान को अप्रूव किया था अंडर स्टार्स प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव एजुकेशन क्वालिटी इन 6 इंडियन स्टेट्स. ये पिछले हफ्ते की ये न्यूज़ है, 27 जून के अराउंड ये रेवलेशन में आई थी. तो द बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफ वर्ल्ड बैंक दे हैड अप्रूव्ड $500 मिलियन, दैट इज अबाउट 3700 करोड़ रुपये अंडर स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम प्रोजेक्ट. तो स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन अक्रॉस 6 स्टेट्स. कौन कौन सी स्टेट्स हैं? राइट डाउन: हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा एंड राजस्थान इन इंडिया. तो इसको लास्ट में एक बार दोबारा से हम डील करेंगे. द न्यू प्रोजेक्ट विल बी एग्जीक्यूटेड थ्रू द सेम स्कीम, सेंट्रल स्कीम समग्र शिक्षा अभियान. राइट, समग्र शिक्षा अभियान के थ्रू इसे इंप्लीमेंट करने की बात करी जा रही है. अ टोटल ऑफ 250 मिलियन यानी कि लगभग 25 करोड़ स्टूडेंट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 17 ईयर्स. राइट टू एजुकेशन में कितना है? 6 to 14 ईयर्स है, लेकिन यहाँ पे 6 to 17 ईयर्स स्टडिंग इन 15 लाख स्कूल्स एंड मोर देन 1 करोड़ टीचर्स विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस प्रोग्राम बाय इम्प्रूविंग द लर्निंग असेसमेंट सिस्टम्स. तो जो प्रथम सर्वे आता था ना, एसर सर्वे, एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, उसमें जो खामियाँ दर्शाई जाती थी, जो उसमें वीकनेसेस बताई जाती थी समग्र शिक्षा अभियान की और राइट टू एजुकेशन की, उनको इम्प्रूव करना इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव है. 6 to 17 ईयर्स की एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल रहेगा. स्टार्स प्रोग्राम हैज़ बिन बिल्ट ऑन द सॉलिड फाउंडेशन ऑफ द इंडिया वर्ल्ड बैंक रिलेशनशिप. राइट, सिंस 1994 ये सारी चीज़ें हैं. वर्ल्ड बैंक हैज़ असिस्टेड $3 बिलियन इन दी एजुकेशन. इससे पहले भी वर्ल्ड बैंक इसमें हेल्प हमारी कर चुका है. तो ये मेजर इसके इशू क्या है? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम स्टार्स प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन. तो इस पर जो कल परसों मैंने राइटअप एक बार शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पर, जिन लोगों का मिस हो गया है नहीं डाउनलोड कर पाए, टेलीग्राम चैनल @jatinverma71 इस पे जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. टेलीग्राम पे ये छोटी छोटी चीज़ें हैंडआउट्स या फिर हमारे माइंड मैप्स वगैरह इस पे आते रहते हैं. jatinverma71 विदाउट एनी स्पेस, इट्स VERMA इन स्मॉल लेटर्स. राइट, jatinverma71 ये टेलीग्राम एप्लीकेशन, जिनको नहीं पता इसके बारे में. तो अब हम देख रहे हैं स्टार्स प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको ब्रीफली बता दिया, अब हम देख रहे हैं इसका क्रिटिसिज्म. राइट, वीरेंद्र, ये पिछले दिनों हमने इसको डील किया था, अभी के लिए इसीलिए मैंने उसको रीड किया है यहाँ पे. राइट, तो वीरेंद्र दिस इज़ फॉर यू. तो ये जो प्रोग्राम है बेसिकली ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. राइट, ब्रीफली ही डिस्कस किया था, लेकिन पहले डिस्कस कर चुके हैं। वर्ल्ड बैंक ने एक प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने की बात करी है 6 से 17 साल के 17 ईयर्स के बच्चों की एज के लिए तो ये मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ, आप एक बार जाके टेलीग्राम चैनल पे अभी चेक कर सकते हो जिनको नहीं पता इसके बारे में। साइड बाय साइड आई हैव शेयर्ड इट, जिनको प्रॉब्लम आ रही है राइटिंग में या नोट्स मेकिंग में, गो एंड चेक आउट द टेलीग्राम चैनल, यू विल बी एबल टू फाइंड द स्क्रीनशॉट राइट अवे। Clear? Now, for effective, first the administration must be equipped with the adequate physical, financial and human resources. An overburdened educational bureaucracy with vacancies and without basic equipment cannot be expected to be effective. तो जब तक bureaucracy, educational bureaucracy नहीं होगी तब तक आप कैसे इसको जो है इम्प्लीमेंट कर लोगे। टीचिंग स्टाफ नहीं है। सेकंड, एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस रिफॉर्म्स मस्ट गिव ग्रेटर पावर्स टू द फ्रंट लाइन ब्यूरोक्रेसी टू एड्रेस लोकल इश्यूज रादर देन and innovation if and they should have the powers to innovate if required. This is a much needed step. This is as much a function of better resources at the local level as of greater decentralization. यानी कि एक तो better resources चाहिए local level पे और better decision making powers और political authorization चाहिए. The movement against corruption and towards accountability has had an unfortunate fallout on innovation. तो हुआ क्या है, करप्शन के चलते जो स्कूल्स में स्कूल लेवल पे जो इनोवेशन हो सकता था, ये सब चीज़ें डाउट के चलते कि सरपंच पैसे खा जाएगा, टीचर्स पैसे खा जाएंगे, प्रिंसिपल जो है पैसे खा जाएगा, उसके चलते इनोवेशन और अडेप्टिंग द प्रोग्राम्स टू द ग्राउंड रियलिटी ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है, राइट। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। नाउ इसको एक बार दोबारा से डील करेंगे। नाउ कमिंग हियर द इशू ऑफ डिस्क्रिशन, दो तीन चीज़ें जो पहले से चाहिए कि नए लेवल पे, छोटे ग्राउंड लेवल पे इनोवेशंस और इनिशिएटिव्स लिए जा सकें जो उस ग्राउंड लेवल के बच्चों के लिए, गांव के लिए, उस विलेज के लिए जहाँ पे स्कूल्स लोकेटेड हैं वहाँ पे ऑपरेशनल डिसीजंस लेने की भी अनुमति नहीं रहती, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दे हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम दी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट ह्यूमन रिसोर्स या स्टेट जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उससे अप्रूवल लेनी पड़ती है, राइट। बैंक ने ये स्टार्स प्रोग्राम में इन सब चीज़ों को इग्नोर किया है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे, लास्ट पार्ट में इसे दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेंगे। दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर पॉलिसी मेकर्स टू इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटी। राइटर्स का यहाँ पे कहना है कि कोविड-19 के चलते जो भी लेसन्स हम लर्न कर रहे हैं, तो डिसेबिलिटीज़ एक्ट है जो हमारा, उसमें कुछ संशोधन लाने की ज़रूरत है, रिफाइनमेंट लाने की ज़रूरत है, ताकि हम डिसेबल्ड लोगों के लिए कुछ नया, इस लेसन लॉकडाउन के चलते जो है हम कुछ नया कर सकें, राइट तो कुछ इन्होंने प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया है। जो डेटा यहाँ पे काम का है हम वो ये देख सकते हैं, लॉक्ड डाउन एंड लेफ्ट बिहाइंड अ डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट्स द प्लाइट ऑफ द पर्संस विद डिसेबिलिटीज ड्यूरिंग द क्राइसिस। ऑफ द 1067 रिस्पोंडेंट्स, डिसेबल्ड रिस्पोंडेंट्स, 73 आर फेसिंग सिवियर चैलेंजेस नेमली with financial stability, access to essential items, adequate accommodation and availability of health care. Second, thousands of the families lack access to critical care takers and domestic help who play crucial roles in caring for a child or family member with a disability. Thirdly and finally, there are significant impacts on the well-being of persons with disabilities. तो राइटर्स का यहाँ पे ये कहना है कि हमने जो ये गैप्स हैं जो भी कोविड-19 के दौरान इन पेशेंट्स को देखने को मिल रहे हैं, टू एड्रेस दिस ग्रोइंग फिशर बिटवीन द एक्सेसिबल एंड नॉन एक्सेसिबल वर्ल्ड फॉर द डिसेबल्ड पीपल, द इंटरनेशनल कम्युनिटी विल हैव टू क्लोज some of these gaps and blunt some of the edges by, जो sharp edges हैं, जो corners हैं, उनको schemes में, policies में या जो भी handicapped चीज़ें ये फील करते हैं उनको हमें ब्रिज करने की ज़रूरत है, राइट. सच एफर्ट्स मस्ट एंगेज पीपल टू प्रमोट एजुकेशन एंड अवेयरनेस ऑन इंक्लूडिंग persons with disabilities, implementing accessibility laws and regulations, improving physical accessibility and universal design, reducing the stigma attached to a disability. मतलब छोटा सा ज़्यादा इसमें कोई thought नहीं है. Now coming here to the main articles, अनलॉक 2 rules को unveil किया गया है. जुलाई 1 से जो अनलॉक को रिलैक्स करने की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कल इन गाइडलाइंस को रिलीज़ किया. तो मेट्रो रेल सर्विसेज, स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, जिम्नाजियम्स, ऑडिटोरियम्स, बार्स, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर्स, असेंबली हॉल्स एंड सिमिलर प्लेसेस विल कंटिन्यू टू रिमेन शट अक्रॉस द कंट्री. ऑल द लार्ज कॉन्ग्रीगेशंस इंक्लूडिंग रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स एंड एकेडमिक कंटिन्यू टू रिमेन प्रोहिबिटेड. तो ये छोटी छोटी सी गाइडलाइंस हैं. रात के 10 बजे तक व्हीकल्स चल पड़ेंगी. 10 से 5 में जो है लॉकडाउन रहेगा. तो जो लोग रात में घूमने जाते हैं तो पुलिस से थोड़ा बच के, है ना, तो रात में 10 बजे तक आप लोग घूम सकते हो, लेकिन घूमना सही नहीं रहेगा ऐसी सिचुएशन में, कोविड-19 सिचुएशन में. द लॉकडाउन वॉज फर्स्ट इम्पोज्ड इन मार्च एंड हैज़ बीन रिलैक्स्ड कंसिडरेबली ओवर द पास्ट 2 months, even though the total number of COVID-19 cases has increased past 5.6 lakh and more than 16,000 deaths have been reported. तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं यहाँ पे. नाइट कर्फ्यू टाइमिंग्स हैं 10 बजे से रात को 5 बजे तक सुबह. डोमेस्टिक फ्लाइट्स एंड पैसेंजर ट्रेन्स आर ऑलरेडी अलाउड इन अ लिमिटेड मैनर. देयर ऑपरेशंस विल बी फर्दर एक्सपैंडेड इन अ कैलिब्रेटेड मैनर. थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम है. किसी एनीबडी एल्स फेसिंग दी साउंड प्रॉब्लम? यस. तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को सरकार यहाँ पे यूज़ कर रही है. और एक और फैक्चुअल न्यूज़ है, टिकटॉक अमंग 59 एप्लीकेशंस बैंड बाय द सेंटर. तो कल जब हमने देखा कि कांग्रेस के कुछ लीडर्स ने, जैसे कि मिस्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर के दिल में शायद एक सॉफ्ट कॉर्नर है चाइना के लिए, इसके चलते बैंड बजी है इन 59 एप्लीकेशंस की जो कि चाइना बेस्ड हैं. टिकटॉक एट्सेट्रा हैव बीन बैंड बाय द सेंटर. टिकटॉक, चैरिटी, माय वीडियो, क्लब फैक्ट्री, कैम स्कैनर, इवन द कैम स्कैनर अ यूटिलिटी एप्लीकेशन हैज़ बीन बैंड इन इंडिया, citing threat to the national security and sovereignty. The ban comes amid continuing tensions on the border between India and China and covers a variety of applications from e-commerce to gaming, social media, browsers, instant messaging and फाइल शेयरिंग. तो इंस्टा मैसेंजर्स काफ़ी सारे जो चाइना में, जिनको चाइना से चलाया जा रहा था, सर्वर्स जिनके चाइना में लोकेटेड थे, उन्हें बैन कर दिया गया है. दिस इज़ अ गुड न्यूज़. टिकटॉक वगैरह पे वैसे ही इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ नेशनल टाइमिंग, है ना. नेशनल टाइम जो है, जो शायद कोई एक पढ़ के कोई रेवोल्यूशनरी बनता, कुछ रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ लेके आता, वो क्या कर रहे हैं, टिकटॉक पे डांस वांस करके टाइम अपना वेस्ट करना. बेटर है कि ये सारी एप्लीकेशंस बंद हुई हैं. लेकिन इसी के साथ साथ एक फ़िलिप देने की ज़रूरत है कि टाइम बाउंड मैनर में क्यों ना हम अपना नेशनल, अगर नहीं पूरी वेबसाइट में ई टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा, तो हमारी सरकार को क्या करना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को छोटी छोटी सी पॉलिसीज़ लेके आनी चाहिए, नेशनल ऐप्स पॉलिसी, है ना. क्योंकि आप बैन करके कब तक रोक लोगे. टिकटॉक को पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था, वो कुछ और कारणों के चलते था, लेकिन अभी नेशनल सिक्योरिटी के चलते बैन किया गया है. तो ज़रूरत ये है यहाँ पे कि हम अपनी डिपेंडेंसी इन एप्लीकेशंस पे कम करने के लिए, या एप्लीकेशन मेकिंग फर्म्स जो हैं वो इंडिया में क्यों नहीं बनाई जा सकती. आफ्टर ऑल हम ही तो वो कंट्री हैं जहाँ पे 40 लाख इंजीनियर जो हैं बनाए जाते हैं हर साल, है ना. तो हमें नेशनल ऐप्स पॉलिसी, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक ब्रॉड साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लेके आओगे, उसमें एक डॉट लगा दोगे, ये पॉइंट डाल दोगे कि भैया ये हम ऐप्स खुद ही डेवलप करेंगे, फिर हम फ़ोन भी खुद ही बनाएंगे, तो वो बहुत ही ब्रॉड ओवरआर्किंग ऑल एनकम्पैसिंग पॉलिसी हो जाती है, जिसको कि इम्प्लीमेंट करना अपने आप में, जिसको पढ़ना ही एक बड़ा टास्क हो जाता है. तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि छोटी छोटी सी पॉलिसीज़ को डिवाइड कर दिया जाए, और ऐप्स पॉलिसी, फिर साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, छोटी छोटी सी पॉलिसीज़ लाई जाए, ताकि इन पे काम हो सके। बैन करना एक नी जर्क रिएक्शन के हिसाब से ठीक है, अच्छा है टाइम गैप अरेंजमेंट के लिए, बट लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल सॉल्यूशन इज व्हाई कांट वी एज अ कंट्री व्हिच प्रोड्यूसेस 40 लाख इंजीनियर्स एवरी ईयर मेक दीज एप्स आवरसेल्व्स, है ना। तो इट वॉज इन्वोकिंग इट्स पावर अंडर सेक्शन 69A। दिस सेक्शन 69A इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू। अगर कभी ये क्वेश्चन आता है कि आप एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो एथिक्स पेपर के लिए और आपके यहाँ पे रूमर मॉन्जरिंग करी जा रही है, तो आप कौन सा सेक्शन यूज़ करोगे, कौन सा एक्ट यूज़ करोगे, तो अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट रेड विद रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ द इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय पब्लिक रूल्स 2009। इन द व्यू ऑफ एमर्जेंट नेचर ऑफ थ्रेट्स द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू ब्लॉक 59 एप्लीकेशंस। तो ये एक देखो एक दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं। जाना था कहाँ, बॉर्डर पे, पहुंच गए कहाँ, मोबाइल पे। समझ आया भैया, यहाँ पे करना था 56 इंचेस वाला काम, 56 इंचेस का सीना, और यहाँ पे दिखा दिया 59 इंचेस का, है ना। तो वी हैव टू, ये एप्लीकेशंस को बैन करने से बॉर्डर पे क्या हुआ, हैव वी रिक्लेम्ड द टेरिटरी, दैट इज़ अ मूट क्वेश्चन, है ना। नाउ कमिंग हियर, ये सारी ऐप्स हैं जिनको बैन कर दिया गया है। तो आप लोग अगर इसे यूज़ कर रहे थे तो आपको पहले पता होगा, मेरे हिसाब से ये सारी फालतू की ऐप्स थी एक्सेप्ट फॉर कैम स्कैनर। उसके अलावा बाकी कोई काम का नहीं था यहाँ पे, राइट। वी चैट और ये सब कुछ काम के नहीं है, पढ़ाई जो लोग करते हैं उन्हें पता होगा। देन कमिंग हियर, ऑर्डर टू गूगल एंड एप्पल। Now, upon receiving recent credible inputs that such applications pose threat to the sovereignty and integrity of India, the government of India has decided to disallow the usage both on mobile and non-mobile internet-enabled services. MEITY has issued instructions to Google and Apple to remove the banned applications from their respective application stores. Google Play Store को और Apple Store को ये बोल दिया गया है कि आप इसे remove करें इन applications को। Now, return Chinese firms donation to PM CARES. This is called as क्या बोलें इसको, हॉक्स नेशनलिज्म जो सरकार कर रही है और जो ये विरोधी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स बोल रहे हैं कि ये जो पैसा इसे रिटर्न किया जाए। राष्ट्रवाद अगर है तो वो क्या होता है, नेशनलिज्म, आप इस टाइम पे समझ सकते हो। जब हम अपनी खामियों को या अपनी गलतियों को कुछ इस तरह से ढकने लगें, कवर अप करने लगें, राइट। पंजाब में सिचुएशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। ही शुड रादर बी टॉकिंग अबाउट, एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, ही शुड रादर बी टॉकिंग अबाउट द ड्रग मेनेस प्रॉब्लम इन पंजाब, राइट। इवन एज this thing has happened even in the lockdown. UNODC data that we had studied yesterday, United Nations Office on Drug and Crime, उनका एक जो रिपोर्ट है, आई वॉज गोइंग थ्रू दैट रिपोर्ट, उसमें एनुअल रिपोर्ट में एक हाफ द पेज डेडिकेटेड है पंजाब में जो ये प्रॉब्लम है, राइट। ये प्रॉब्लम इंक्रीज़ हो रही है, ड्रग ट्रैफिकिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा पॉलिटिकल न्यूज़ है, हम इसमें नहीं जाएंगे। वैसे तो आगे निकलते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट टू सेटअप प्लाज्मा बैंक, दिस इज़ अ गुड न्यूज़। प्लाज्मा बैंक विल स्टार्ट ऑपरेटिंग इन दी नेक्स्ट 2 days, Chief Minister of Delhi Kejriwal announced while paying tribute to असीम गुप्ता एंड एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट फ्रॉम लोकनायक हॉस्पिटल। ये सारी चीज़ें हुई हैं यहाँ पे। CM अपील टू दोज हु हैड रिकवर्ड फ्रॉम COVID-19 टू डोनेट प्लाज्मा एट द बैंक दैट विल प्लाज्मा बैंक दैट विल बी सेटअप एट द इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज। नाउ every patient, whether admitted to a private or government hospital, will receive plasma from the bank. All the arrangements for setting up the bank have been completed in the last 2 or 3 days. Plasma bank क्या होता है ये बता रहा हूँ। देखो, प्लाज्मा थेरेपी क्या है। Kerala has got the ICMR approval for clinical protocol. जो प्रोसेस रहेगा उसको अप्रूवल मिल गई है। Exploring the possibility of convalescent plasma transfusion which may be administered to severe COVID-19 patients. Plasma therapy is not something that is new. बहुत ही common है ये। Convalescent plasma therapy seeks to make use of antibodies developed in the recovered patient. अब देखो, मान लो कि ये पेशेंट ए है, ये ऑलरेडी कोरोना से रिकवर कर चुका है, राइट। इसका जो ब्लड प्लाज्मा है अगर हम उसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, इसके ब्लड प्लाज्मा में ऑलरेडी वो सोल्जर्स, वो एंटीबॉडीज़ एक्टिवेट हो चुकी हैं जो कोरोना से लड़ने में मदद करती हैं। अब इसका जो प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा, अगर वो इन्फ्यूज़ कर दिया जाएगा, इंजेक्ट कर दिया जाएगा पेशेंट सी में जो कि कोरोना वायरस से सफ़र कर रहा है, तो उस पेशेंट को कोरोना वायरस से रिकवर करने में मदद मिलेगी, क्योंकि इस ब्लड में जो सोल्जर्स हैं वो सोल्जर्स ऑलरेडी एक्टिवेटेड हैं। वो इस पेशेंट के, कोरोना वायरस से सफ़र कर रहे पेशेंट के ब्लड में जब एंटर होंगे तो उन एंटीबॉडीज़ को, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी को एक्टिवेट कर देंगे जो कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करते हैं, राइट। तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। क्लियर? Now the whole blood or plasma from such people is taken and the plasma is then injected in critically ill patients so that the antibodies are transferred and boost their fight against the virus. फैक्चुअल न्यूज़ था, अब आगे नहीं चलेंगे। द प्लाज्मा कैन बी इन्फ्यूज इन टू टू काइंड ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स, दोज विद सिवियर इलनेस और इंडिविजुअल्स एट अ हायर रिस्क ऑफ गेटिंग द वायरस। नाउ what is convalescent plasma therapy? It involves transfusing plasma retrieved from the blood of the people who have recovered from COVID-19 into people suffering from these disease. ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पे दे रखा था, तो पढ़ लोगे इसे। PDF you can download from this telegram channel @jatinverma71, mind maps, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस डेली प्रीलिम्स के लिए आपके इस ग्रुप पे आते हैं। कोई नॉनसेंस जो वहाँ पे जो है चीज़ें नहीं शेयर करी जाती, ग्रुप पे नहीं तो चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम नीट एंड क्लीन विदाउट मच ऑफ दी अलर्ट्स और यू नो फालतू की चीज़ें यहाँ पे शेयर नहीं करी जाती, सिर्फ जो रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं वही यहाँ पे शेयर किए जाते हैं। कुछ वेबसाइट के लिंक्स रहते हैं जो कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इन डेप्थ एनालिसिस है, या मेंस के कुछ क्वेश्चंस हैं या प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो इस टेलीग्राम चैनल, जो चैनल का नाम है जतिन वर्माज IAS अकेडमी, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। नाउ कमिंग हियर, सेपरेटिस्ट लीडर गिलानी क्विट्स हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक सेपरेटिस्ट पार्टी है जो कि ये मांग कर रही थी काफ़ी टाइम से कि जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया से अलग एक दर्जा दिया जाए, इंडिया से सेपरेट किया जाए। तो अब इन्होंने, सैयद अली गिलानी ने रिज़ाइन करने का मन बना लिया, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से। तो इसका थोड़ा सा एनालिसिस है। ही वॉज अंडर हाउस अरेस्ट सिंस 2019 बिकॉज ऑफ हिज भड़काऊ बयानबाजी, है ना, जो भी इंसाइसिव कॉमेंट्री ये करते रहते थे। तो इन्होंने 90 साल की उम्र में ये डिसाइड किया है टू क्विट दी कॉन्ग्लोमेरेट विदाउट डाइवर्जिंग हिज फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। ही हैज़ डिसाइडेड टू डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम दी हुर्रियत गिवन दी करंट सिचुएशन इन दी अमेलगमेट। ही इज़ नॉट कीपिंग वेल, ये भी एक बात है कि इन्होंने शायद इसलिए क्विट किया है। ही ऑल्सो स्प्लिट फ्रॉम मिरवैज़ उमर फारूक फैक्शन, और ये सेपरेटिस्ट लीडर यही डिमांड करते हुए आ रहे थे कि जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया से अलग दर्जा मिले, राइट। तो येस, इट इज़ अंडर आर चंदू, इट इज़ अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑन द चार्जेस ऑफ हेट स्पीच। He was under house arrest. India is the only way forward, BJP said. Other Hurriyat leaders should call it a day. They should also think over it and realize their mistakes. India is the only way forward for all those who believed otherwise. So the resignation of the Gilani is a biggest benefit of the removal of Article 370. There has been no reaction from the other constituencies of the Hurriyat. So, देखो इमोटिव और पॉलिटिकल दोनों इशू है ये जम्मू एंड कश्मीर का। जहाँ तक पॉलिटिकल इंटीग्रेशन है, वो इस सरकार की, बीजेपी सरकार की एक बड़ी कामयाबी रही कि आर्टिकल 370 को डिलीट करना, जो है एब्रोगेट करना, इसी का ये असर दिखाई दे रहा है कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में खुद ही लिख के बैठे थे कि हाँ, जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है। और उससे क्या हो रहा है, इन हुर्रियत लीडर्स या फिर सेपरेटिस्ट लीडर्स को एक शय मिल जाती थी, एक फोर्स मिल जाता था कि हाँ देखो, हम अलग स्टेट की डिमांड कर सकते हैं। और महबूबा मुफ्ती और बाकी के जो लीडर्स हैं, बावजूद इसके कि वो चीफ मिनिस्टर रह रही थी, उसके बावजूद भी ऐसी बयानबाजी आती रहती थी जो कि और लोगों को स्टोन पेल्टिंग जैसी चीज़ें करने पे मजबूर कर देती थी, है ना। अब ये इनका क्विट करना अपने आप में एक नया पड़ाव है, एक नया जो है एपोक है जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री में। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है कुछ और पॉजिटिव स्टेप्स भी लेगी जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स को, जम्मू एंड कश्मीर के यूथ को प्रॉपरली रिहेबिलिटेट करने की, और द सेंस ऑफ पेट्रियाटिज़म एज इट प्रिवेल्स इन अदर पार्ट ऑफ इंडिया, वहाँ पे भी पेट्रियाटिज़म और फैसिलिटीज़ दी जाएं। डंके की चोट पे जो काम होना था वो हो गया है ना, कि बंदूक की नोक पे हमने आर्टिकल 370 स्टोन पेल्टिंग को दबा लिया, लेकिन अब पॉजिटिव स्टेप्स जो बीजेपी लेने की कोशिश कर रही है वो सब चीज़ें उनको बढ़ावा देने की ज़रूरत है सरकार को, राइट। और सिटीजनशिप रूल्स हैं या जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे कॉमन सिटीजनरी से एसोसिएट किया जाए। अगर लीडर्स हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिस्टिक काम करते हैं, यानी कि अवसरवादी राजनीति करने लगते हैं, कि सेपरेटिज्म की बातें करने लगते हैं, तो डायरेक्ट सिटीजनरी से आगे बातचीत को और ये सब चीज़ों को बढ़ाया जाए, पब्लिक कंसल्टेशन को और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए। गवर्नर जो हैं या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ पे डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स के, उनको लोगों के साथ एसोसिएट होना चाहिए टू फिल द गैप क्रिएटेड बाय रेजिग्नेशन ऑफ दीज लीडर्स लाइक सेपरेटिस्ट लीडर्स लाइक हुर्रियत कॉन्फ्रेंसेज गीलानी। तो अब ये गैप जो क्रिएट हो रहा है, बिफोर दिस गैप इज़ फिल्ड अप बाय सम अदर आइडियोलॉजी, हार्ड लाइन आइडियोलॉजी पर्सन, इसको हमें सरकार को यहाँ पे इस गैप को फिलअप करना चाहिए। तो दिस इज देयर डज गिलानीज रेजिग्नेशन मार्क द वेनिंग ऑफ सेपरेटिज्म। तो द अनएक्सपेक्टेड रेजिग्नेशन ऑफ 90-year-old हुर्रियत चेयरमैन सैयद अली गिलानी फ्रॉम द कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ सेपरेटिस्ट ग्रुप लेफ्ट द ऑलरेडी स्क्वीज्ड काश्मीरी सेपरेटिस्ट इन अ स्टेट ऑफ शॉक एंड पाकिस्तान इन अ कॉर्नर। तो ये सारी चीज़ें। नाउ हिज रेजिग्नेशन इज एम्ड एट बोथ पाकिस्तान एंड द रेडेंडेंट लीडरशिप अराउंड हिम। His resignation comes at a time when the separatists' constituency is raising questions over Hurriyat's response to the centre's decision to revoke J&K special status. It remains to be seen if Gilani will also resign from his own party, Tehreek-e-Hurriyat, right? Many see Gilani's move as his last bid to play the politics of deathbed and fulfill his wish to die as a martyr who never compromised. From contesting assembly elections in 1970s to issuing boycott calls against the same after 1990s, Geelani steered Kashmir separatist movement and his ideas influenced both people on the street and the fast-going militant cadre then. तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा खुद पढ़ोगे, राइट, कि कुछ ऐसा एक इवेंट है ये, बस बाकी चीज़ें हम आर्टिकल 370 के दौरान पढ़ चुके हैं और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, मतलब नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ एक अच्छी चीज़ है ये। चिनाब वैली टेरर फ्री, गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो चिनाब वैली है अनंतनाग एट्सेट्रा के बाद अब ये टेरर फ्री हो चुकी है। एनकाउंटर जो किया गया था अभी रिसेंटली, अगेन अ फैक्चुअल न्यूज़। 7 यूपी पुलिसमैन एग्जोनरेटेड इन कस्टोडियल डेथ केस। 7 जो यूपी के पुलिस मैन जिनके खिलाफ चार्जेस थे कि उनकी वजह से कस्टोडियल डेथ्स हुई हैं, उनको एग्जोनरेट कर दिया गया है, यानी कि दे हैव बिन रिलीव्ड ऑफ दी एक्यूजेशंस, दे हैव बिन, उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है, वैसे ये कहें तो, राइट। 7 पर्सनल, तो अब ये तो हो गया फैक्चुअल न्यूज़। अब इसका एनालिसिस देखते हैं थोड़ा सा। कल की जो हमारी न्यूज़ आई थी, ऑफिसर पेन्स द टेल ऑफ केरलाज फर्स्ट कस्टोडियल डेथ, उसको अगर हम एनालाइज करें तो ये पॉइंट्स निकलते हैं। एनालाइज द रीजंस फॉर कस्टोडियल डेथ्स इन इंडिया, ऑल्सो सजेस्ट रिफॉर्म्स टू एड्रेस दिस इंस्टीट्यूशनल मलाइश। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़े गलत है, इसको ठीक कर लेना। देन इन 2016 गवर्नमेंट डेटा रिकॉर्डेड 92 डेथ्स इन पुलिस कस्टडी, ऑफ विच 60 अकर्ड बिफोर रीचिंग द कोर्ट. This makes a mockery of Section 55 and 55A and Section 57 of CRPC. So आपको ये sections अगर याद रह जाएं तो कौन सा article है constitution में जो ये कहता है कि a person an accused arrested by the police has to be presented before the judicial magistrate within 24 hours. Which article talks about this? Please answer. आंसर करो फटाफट गाइस। अब इस पे भी विवाद है, मतलब 20 है या 22, सही बताओ। ट्वेंटी 23, वेरी नाइस। और So, in 2016, the government data recorded 92 deaths in police custody. तो सेक्शन 55A और 57 जो है फंडामेंटल राइट्स का, जो फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं. राइट नाउ एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन, इंडिया डज नॉट हैव एनी रीजंस. क्या हैं कि ये कस्टोडियल डेथ्स, कस्टोडियल डेथ होता है यदि पुलिस की कस्टडी में अगर किसी कन्विक्ट की, अगर किसी एक्यूज्ड की मौत होती है खासकर, तब उसे कस्टोडियल डेथ कहा जाता है. अगर कोई कॉन्विक्ट है, तिहाड़ जेल में उसको ऑलरेडी सज़ा मिल चुकी है तो भी उसकी डेथ होती है तो उसे भी कस्टोडियल डेथ ही माना जाएगा. लेकिन जो कस्टोडियल डेथ्स एक्यूज्ड स्टेट पे होती हैं, यानी कि कॉन्फेशन एक्सट्रैक्ट करते टाइम जो पुलिस उनको प्रताड़ित करती है, मारती है, थर्ड डिग्री टॉर्चर लगाती है, तो उसकी वजह से जो डेथ्स होती हैं वो सिलसिला इंडिया में बढ़ते चले जा रहा है. रीजंस क्या हैं उसके पीछे? इंडिया डज नॉट हैव एन एंटी टॉर्चर लॉ एंड इंडिया इज़ येट टू क्रिमिनलाइज कस्टोडियल वायलेंस. अभी तक अगर किसी कस्टडी में वायलेंस होता है या कस्टोडियल डेथ होती है तो वो अभी तक क्रिमिनली उसको पीनलाइज नहीं किया जाता. वाइल एक्शन अगेंस्ट कल्पेबल ऑफिशियल्स रिमेन्स इल्यूजरी. जो एक्शन लिया जाता है, जिन ऑफिसर्स को इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाता है, जेलर को और ये सब, कुछ ज़्यादा एक्शन उन पर नहीं होता. इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस, क्लोज्ड इंस्टीट्यूशंस. पुलिस इज़ अ क्लोज इंस्टीट्यूशन, ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आती पुलिस के बारे में. दे प्रोवाइड एम्पल स्कोप ऑफ अवॉइडिंग इम्प्यूनिटी, एम्पल स्कोप ऑफ प्रोवाइडिंग इम्प्यूनिटी, मतलब बेलगाम कितना भी टॉर्चर करना है किया जा सकता है ना, विच इज़ एविडेंट इन द प्रेवलेंस एंड वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस ऑफ कस्टोडियल टॉर्चर. तो नो डॉक्यूमेंटेशन. इन द एब्सेंस ऑफ कंसिस्टेंट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ टॉर्चर रिलेटेड कंप्लेंट्स, मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ टॉर्चर गो अननोटिस्ड. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, विच इज़ मैंडेटेड टू रिकॉर्ड ऑल द क्राइम्स टेकिंग प्लेस इन कंट्री, टू डज नॉट डॉक्यूमेंट द केसेज ऑफ कस्टोडियल टॉर्चर. NCRB जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है, NCRB भी कस्टोडियल टॉर्चर का डेटा मेंटेन नहीं करता. डॉक्यूमेंटेशन होगी तो ही कुछ रिसर्च हो पाएगा, रिसर्च होगा तो ही कुछ सरकार पे प्रेशर हो पाएगा कि इसके लिए लॉ बनाया जाए. देखो ये कहना बहुत आसान है कि लॉ नहीं है, पुलिस जो है कन्विक्ट्स को मारती है, एक्यूज्ड को कन्फेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए पीटा जाता है, थर्ड डिग्री टॉर्चर लगाया जाता है, और इंडिया में ये बताया जाता है कि फर्स्ट रीड देम द लॉ इन इंग्लिश, है ना, पहले अंग्रेजी में समझाओ, देन रीड देम द लॉ इन हिंदी, है ना, फिर जब हिंदी में भी समझ नहीं आए तब क्या करो, पंजाबी तरीका लगाओ. राइट तो इसीलिए कुछ कुछ मूवीज़ भी ऐसी बनती है कि पंजाब पुलिस को भेज दो कनाडा में, अगर कोई जो है ट्रूथ सच नहीं बता रहा है तो पंजाब पुलिस की कुछ टीम को वहाँ पे भेजा जाता है, ये सब मूवीज़ में दिखाया जाता है. तो इंडिया इज़ फेमस फॉर torture, for meting out torture against the convicts or accused. So India's commitment, weak global image of India. India's commitment to preventing and abolishing torture as well as punishing its perpetrators is perceived as extremely weak in the international forum and gives a wrong light on its desire of becoming a global power. तो safeguards for prisoners हमारे यहाँ पे कम है. Protection from torture is a fundamental right enshrined under Article 21. देखो सारी चीज़ की जड़ पे अगर हम आए तो पता है, पंगा पता है क्या है इंडिया में, हमारे यहाँ पे scientific methods of extracting truth are not many, है ना. जब crime sophisticated होते चले जा रहा है, the techniques of doing the crime, the techniques of criminals, giving अंजाम to the crime, they are getting sophisticated with each passing day. But पुलिस के पास में कोई ऐसा तरीका ठोस नहीं है. उसके पीछे कुछ sections ऐसे आ जाते हैं कि पुलिस को powers कम दी जाती हैं, crime prevention कम है, या फिर crime हो जाता है तो पुलिस के पास scientific या फिर हम ये कहें forensic techniques का कम होना, इसकी वजह से कन्विक्ट के या एक्यूज्ड के अपने कन्फेशन पे ही हमारा सिस्टम चलता है. उसको इतना मारा जाता है कि वो ये सोचे कि इससे तो मरना अच्छा, और वो सारा कुछ बता देता है. बताने के बाद फिर सिलसिला शुरू होता है कोर्ट कचहरी का. राइट प्रोटेक्शन फ्रॉम टॉर्चर इज़ अ फंडामेंटल राइट. सेक्शन 41D ऑफ CRPC प्रोवाइड्स फॉर राइट टू मीट एन एडवोकेट, यूजुअली दिस इज़ डिनाइड. तो आप ये सेक्शंस को प्लीज़ नोट कर लें, सेक्शन 41D, 55A एंड 57. क्लियर. So this is there now. Very nice. Jatin Juliet. So steps suggested: India should ratify the United Nations Convention Against Torture and enact the necessary domestic legislations. तो ये questions जो हैं छोटे छोटे से questions यहाँ पे I will incorporate some of the questions here. लेकिन इसके लिए जो daily current affairs का course Unacademy पे 3 जुलाई से लाया जा रहा है तो उसमें ये सारी चीज़ें आप करंट अफेयर्स का ठेका जतिन वर्मा का, ठीक है. तो डेली न्यूज़ एनालिसिस से हो या डेली करंट अफेयर्स कोर्स से, ये आप पे डिपेंड करेगा. अगर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी प्लस तो ऐसे क्वेश्चंस डेली हम वहाँ पे देखते हैं गाइस, नहीं तो यहाँ पे क्वेश्चंस मैं देते रहूँगा. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू हैव अ कम्युनिटी काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट हेयर जहाँ पे आप लोग कमेंट्स करके आंसर लिखें और एक दूसरे के आंसर्स इवेल्युएट करें एंड आई वुड बी द मॉडरेटर. इट ऑल डिपेंड्स कि आप लोग कितना रेगुलरिटी से लिखते हो. अगर सिर्फ पढ़ने आए हो, है ना, किताबों से लड़ने आए हो, ठीक है, सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो दोस्तों पढ़ तो जनता रही है ना. सेपरेट यूपीएससी कुछ ऐसे करती है जो लिखने वाले लोग हैं उनका रिजल्ट कुछ ज़्यादा अच्छा है, जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं. देखो स्टैटिक पोर्शन पे आंसर राइटिंग की ज़रूरत भले ही ना हो अभी के लिए क्योंकि अभी आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, लेकिन करंट अफेयर्स 1 महीना यदि आपको हो चुका है प्रिपरेशन करते हुए, 15-20 दिन भी हो चुके हैं, बैकग्राउंड मटेरियल यदि कोई जतिन वर्मा यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है तो क्या कारण है कि कलम नहीं उठती, है ना, कि डॉक्टर कलाम तो आएंगे नहीं कलम उठवाने के लिए, ना ही कोई मोर आएगा तुम्हारे, कोई कबूतर आएगा कि ये लो पंख और लिखना शुरू हो जाओ और बन जाओ कविदास, है ना. तो थोड़ा सा खुद से तैयारी तुम्हारी है, काम करना काम तुम्हें है, लेकिन ये मैं बता दूं कि जनता पढ़ती बहुत है ना. कोई कोई है जो लिखता है और जो लिखता है वही दिखता है, क्योंकि जो लिख के आओगे वही तो है. अल्टीमेटली इट्स अ फाइट ऑफ पेन एंड पेपर. रीडिंग और स्पेक्टेकल्स का फाइट इतना नहीं है, पढ़ तो सभी रहे हैं, तो लिखना शुरू कर देना करंट अफेयर्स पे. एटलीस्ट छोटा सा सजेशन मेरी तरफ से. नाउ तमिलनाडु कस्टोडियल डेथ्स. इस बार आप मेंस में, आप भी यहाँ हो मैं भी यहाँ हूँ, मेंस में ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. नाउ the Tamil Nadu custodial deaths highlight need for police reform. CHRI 1731 people died in custody in 2019, it said, citing a report. तो need to ratify. इंडिया ने क्या किया है अभी तक? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को सिर्फ साइन किया है, राइट, 1997 में, राइट. इंडिया ने 1997 में साइन किया था. और साइन और रेटिफिकेशन के बीच में डिफरेंस ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को साइन कर देते हो नाउ कमिंग हेयर नर्वसनेस होता है जिनको लिखने में, तो फिर पेन एग्जामिनेशन हॉल में कैसे चलेगा, कंफ्यूजन हो जाती है लिख रहे हैं वही सही है या नहीं. कमेंट सेक्शन में आंसर बाद में लिखो, जब डीएनए कंप्लीट हो जाता है तब लिख सकते हो, है ना, बाद में लिख दो. कोई ऐसा थोड़ी है कि बाद में ये चला जाएगा, कुछ डीएनए तो यहीं पे रहता है ना गाइस. देखो बहाने देने हैं ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि बहाने देने 100 बहाने दे लो, है ना, कन्फ्यूजन होता है लिखते हुए या कुछ ऐसा, तो वो चीज़ें हैं. यू हैव टू ओवरकम द फियर ऑफ इनर्शिया. द इनर्शिया इटसेल्फ इज़ द बिगेस्ट इम्पेडिमेंट, है ना. ये जो इनर्शिया है, कुछ भी लिखो, काओ पे ऐसे लिखो इंडिया दैट इज़ कंट्री आई ड्रीम्ड ऑफ, और इंडिया ऑफ माई व्यू ऑफ इंडिया, समथिंग लाइक दैट. लिखो तो सही, शुरू तो करो कम से कम. माई व्यू ऑफ इंडिया, उसमें ज्योग्राफिकल एंगल, पॉलिटिकल एंगल, सोशल एंगल, पॉपुलेशन, क्लाइमेट चेंज, फार्मिंग, रूरल इंडिया, अर्बन इंडिया, ये सारी चीज़ें कर सकते हो, है ना. येस, फन एंड विजडम, योर आंसर्स विल बी रिव्यूड, डोंट वरी. आई नो यार, रिमेंबर योर नेम अभिमन्यु. सो कमिंग हेयर गाइज, विदाउट डाइग्रेसिंग फ्रॉम द टॉपिक, इंडिया को अब रेटिफिकेशन, साइनिंग क्या होता है, साइन करके जब हम किसी इंटरनेशनल कन्वेंशन को साइन करते हैं तब हम अपनी इंटेंशन क्लियर कर रहे होते हैं. वी आर जस्ट क्लियरिंग आवर इंटेंशन, कि हमारा इंटेंशन है इस कन्वेंशन के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने का, लेकिन हमें उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना होता है, डोमेस्टिक एरिना में कोई लॉ पास करना होता है, ये सब चीज़ें करनी होती हैं, तो वो करना हमारे लिए ज़रूरी है. और जब हम ये कन्वेंशन वगैरह साइन कर देंगे फाइनली, और उसके बाद हमारे को 5-7 साल, 3 साल, 2 साल लगते हैं उसको रेटिफाई करने में. जैसे कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स साइन करने से पहले, रेटिफाई करने से पहले जून 2006 में हमने इसे साइन किया और हम एक ऑब्जर्वर कंट्री बन गए। और जून 2006 से लेकर जून 2010 तक हमने बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये सारे डोमेस्टिक एरिना में जो भी लॉज रिक्वायर्ड थे FATF के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, हमने वो सारे लॉज को, कानूनों को पास किया। और उसके बाद उसे रेटिफाई कर दिया फाइनली, ठीक है। अगर हम पहले रेटिफाई करेंगे तो हमारे पास एनेबलिंग लेजिस्लेशंस पास किए होने चाहिए। तो अब आज यहाँ पे बात करते हैं नीड टू रेटिफाई UNCAT। इंडिया रिमेन्ड अमंग अ हैंडफुल ऑफ कंट्रीज़ विच आर येट टू रेटिफाई द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। तो ये सारी जो डेथ्स हो रही हैं, कस्टोडियल डेथ्स, उनको रोकने का यही एक तरीका है। और क्या तरीका है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास अपना एक इन्वेस्टिगेटिंग विंग होना चाहिए और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी बनाया जा सकता है। कस्टोडियल डेथ्स या जेल्स को इंस्पेक्ट करने के लिए स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास में पावर्स और सफिशेंट स्टाफ होना ज़रूरी है, ताकि प्रिवेंटिव मेजर्स शुड ऑल्सो बी इन प्लेस। CCTV कैमराज हो सकते हैं टॉर्चर रूम में जहाँ पे टॉर्चर किया जाता है। और टॉर्चर सिर्फ फिजिकल टॉर्चर ही नहीं है। अगर पुलिस किसी को ये कहती है कि अगर आपके जो व्यक्ति हैं जिनको हम अरेस्ट करना चाहते हैं, अगर वो जेल में नहीं पहुँचे, अगर वो अपने आप थाने 5 बजे तक नहीं पहुँचे तो हम आपके घर के बाहर आके आपका जुलूस निकाल देंगे, ये क्या है? मेंटल टॉर्चर है, राइट। तरह तरह के टॉर्चर जो पुलिस द्वारा किए जाते हैं वो सारी चीज़ों को टॉर्चर कहा जाता है। मैंने ये बोला कि हमें पुलिस फोर्स के कॉन्स्ट्रेंट्स समझने होंगे कि हम ये कहें कि हमने कन्वेंशन रेटिफाई नहीं किया। जब तक साइंटिफिक मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं होंगे तब तक ये थर्ड डिग्री टॉर्चर का सिलसिला चलते रहेगा। पुलिस इन्वेस्टिगेट कैसे करेगी? क्राइम रेट बढ़ते चले जाएगा, है ना। तो हमें दोनों चीज़ें, दोनों पहलू समझने हैं। फॉरेंसिक कैपेबिलिटीज़ को इंडिया को एक टाइम बाउंड मैनर में ये करना होगा। साइंटिफिक CSIR की जो लैब्स हैं उनका नेटवर्क बढ़ाना या फॉरेंसिक लेबोरेटरीज़ का नेटवर्क बढ़ाना, जब तक ये नहीं बढ़ेगा तब तक क्राइम जो है कुछ इसी तरह बढ़ते चले जाएगा। फिंगरप्रिंट स्कैनिंग और ये सारी चीज़ें, DNA टेस्टिंग लैब्स हमारे यहाँ पर होनी चाहिए, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हमने डील कर ली। ये कुछ डेटा है आपके मतलब का, जो लोग ये बोलते हैं लिखें क्या, क्या लिखें आंसर में। कस्टोडियल डेथ्स का आंसर, उस पर एक आंसर ज़रूर आज लिखना अगर थोड़ी शर्म आई है मेरे बोलने के बाद। देखो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन थोड़ा सा करो कि पढ़ के करोगे क्या। मेरे को सुन लिया, अरिजीत सिंह को सुन लिया, लेकिन मोहब्बत तो तभी होगी ना किताब से जब कलम उठाओगे, लिखने लगोगे तो बेटर रिटेंशन पावर होगी, है ना। रिटेंशन पावर तभी स्ट्रेंथन होगी। तो उन लोग सोचते रहते हो कि ऐसे हो जाएगी, क्योंकि जब आप 2-4 आंसर्स लिखते हो तब समझ में आता है कि हाँ मैंने सुना तो था लेकिन मुझे याद को नहीं आता। याद करने की कला तभी अपने आप स्ट्रांग होती चली जाएगी जब आप सोचने बैठोगे। फिर आपका माइंड अगली बार जब आप सुनोगे तो और ज़्यादा अलर्ट होकर सुनता है, राइट। मेरी तरफ से इतना ही, बाकी अब तुम्हारे लिए है कि क्या करना है क्या नहीं। अब यहाँ पे ये प्रिंसिपल नोट कर लेना। इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी टू कन्वेंशन सिंस 1997 एंड इंडिया इज़ बाउंड बाय प्रिंसिपल ऑफ जस्ट कॉजेंस। जस्ट कॉजेंस ये इंश्योर करता है कि उन लोगों को भी ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए, दोज हु आर टॉर्चर्ड एंड परसिक्यूटेड, राइट। नाउ ग्रुप पे पोस्ट कर दो, ठीक है। येस, दैट इज़ व्हाट आई एम हाईलाइटिंग। बाला कृष्णा, यू आर राइट, ओके। सो कमिंग हेयर, लॉ कमीशन 273rd रिपोर्ट है। अब ये मुझे कैसे याद है कि लिखना है या कुछ। 273rd रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने ये कहा था कि इंडिया को जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और कुछ सजेशंस दिए थे कि क्या सजेशंस होने चाहिए, कि क्या क्या चीज़ें करनी होंगी, है ना। जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, और पुलिस ऑफिसर्स जिनके अंडर ये टॉर्चर होता है या कोई कस्टोडियल डेथ होती है उनकी क्रिमिनल जिम्मेवारी जो है, जवाबदेही बनती है, प्रोवाइडेड साइंटिफिक मीन्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन उन्हें प्रोवाइड किए जाएं। नाउ ग्रुप लिंक इज @JatinVerma71, क्लियर। अब कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करके मत बैठ जाना मेंस की कि हाँ मैं लिखूंगा। पहले खुद से लिखो, पूरा सिलेबस पढ़ो, फिर टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना, ठीक है। देखो आजकल बहुत सारी दुकानें चल रही हैं, कोई क्या करता है किसी और टेस्ट सीरीज़ का क्रिटिसिज्म करता है ताकि आप उसकी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करो। तो समझ रहे हो ना आजकल टी सीरीज़ के खिलाफ क्या चल रहा है, वही टेस्ट सीरीज़ के खिलाफ भी चलना चाहिए। पहले खुद से लिखो और उसके बाद में ये सब दुकानों को ज्वाइन करना, अभी नहीं। राइट नाउ कमिंग हियर, ratification of convention, the commission observed India has faced problems in extradition of criminals from foreign countries. This is because the convention prevents extradition to a country where there is a danger of torture. Now ये सारी चीज़ें ये खुद पढ़ोगे। देयर इज़ नो डेफिनेशन ऑफ टॉर्चर। लॉ कमीशन ने ये ऑब्जर्व किया कि हमारे CRPC में डेफिनेशन ऑफ टॉर्चर ही नहीं दे रखा, राइट? तो उसको डिफाइन करना होगा। अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल जो कि 2017 में लाया गया था, एनी पब्लिक सर्वेंट और एनी इंडिविजुअल, अब यहाँ पे बहुत अच्छी डेफिनेशन है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ पुलिस सर्वेंट ही नहीं, पब्लिक सर्वेंट कोई IAS ऑफिसर भी हो सकता है, कोई गवर्नर भी हो सकता है, कोई ऐसा देखा गया है व्यापम स्कैम में, है ना, कि रिजल्ट तभी आएगा जब तुम पैसे दोगे। कोई डोनेशन के लिए सरकारी ऑफिसर भी टॉर्चर कर रहा है कि तुम्हारी एडमिशन तभी होगी। तो एनकम्पैसिंग डेफिनेशन होनी चाहिए, ऑल एनकम्पैसिंग, ऑल इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ टॉर्चर इज व्हाट वी नीड, राइट? नाउ coming here, if they inflict on another person grievous hurt, danger to life, limb or health, severe physical or mental pain, mental pain is more painful, death for the purpose of acquiring information or punishment, right? कि मैं तुम्हें मार दूंगा, RTI एप्लीकेशन वापस लो, ये सारी चीज़ें भी इसमें कवर्ड होनी चाहिए, right? देन पनिशमेंट फॉर एक्ट्स ऑफ टॉर्चर, लॉ कमीशन ने 273rd रिपोर्ट में ये कहा, स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर द इंडिविजुअल्स हु कमिट सच एक्ट्स। अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल, पनिशमेंट फॉर टॉर्चर इंक्लूड्स इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years। लेकिन ये बिल जो है पास होना चाहिए, है ना, तो टॉर्चर बिल जो है उसको फटाफट से सरकार पास करे, लेकिन साथ साथ एक मिशन लेके आना चाहिए कि हम अपनी फॉरेंसिक लैब्स को एटलीस्ट 100 फॉरेंसिक लैब्स इंडिया में होंगी। उससे क्या है, पुलिस को सहायता मिलेगी। सीधा ये कहना कि पुलिस टॉर्चर करती है, 3rd डिग्री लगाती है, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि पुलिस के ऊपर भी आफ्टर ऑल बर्डन रहता है, प्रेशर रहता है क्राइम को सॉल्व करने का। जैसे कि आरुषि हेमराज मर्डर केस, अगर हमारी फॉरेंसिक कैपेबिलिटीज़ होती तो CBI अभी तक वहाँ पे केस सॉल्व कर चुकी होती। द फैक्ट दैट इंडियाज़ प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी CBI कुड नॉट सॉल्व द केस टेल्स अस वॉल्यूम्स अबाउट द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन सो फार एज साइंटिफिक forensic laboratory services in India are concerned. Now, the Commission recommends that courts should determine the compensation on the basis of nature, purpose and extent of injury caused to a person. ये सारी चीज़ें हैं। सीताराम येचूरी जो कि CPIM के लीडर हैं, उन्होंने ये कहा पोस्टल बैलेट जो है फॉर द पीपल एजेड अबव 65 ईयर्स वो गलत हो जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर ने पिछले दिनों ये प्रपोजल रखा था कि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि इन द लाइट ऑफ COVID-19 द वोटर्स एजेड 65 ईयर्स एंड अबव वुड बी गिवन दी ऑप्शन ऑफ पोस्टल बैलेट। तो अभी तक जो पोस्टल बैलेट दिया जाता है, सर्विसेज किन को दिया गया है, ये फैसिलिटी दी गई है सर्विस वोटर्स को, आर्म्ड फोर्सेज, आर्म्ड पुलिस फोर्स ऑफ अ स्टेट एंड द गवर्नमेंट सर्वेंट्स पोस्टेड अब्रॉड। बैलेट पेपर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉनिकली टू इलेक्टर्स एंड आर रिटर्न टू द इलेक्शन ऑफिसर्स वाया पोस्ट। Voters on election duty, voters above 80 years of age or persons with disabilities, voters under the preventive detention law. The exception to the above mentioned category of voters is provided under Section 60 of the Representation of People's Act. Representation of People's Act 1951. This act provides for the actual conduct of elections in India. GS Mains Paper 2, जो हम पॉलिटी में हमें पढ़ना है, it deals with the following matters. Details like qualification and disqualification of members of both the houses of parliament and the state legislature. Administrative machinery. ये थोड़ा चीज़ें पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर ने ये जो प्रपोजल दिया है उसके चलते ये पता होना चाहिए कि अभी ये फैसिलिटी किन किन को दी जाती है। दैट्स इट, राइट? नाउ आई विल आंसर दिस क्वेश्चन एट द रेलेवेंट पॉइंट इन टाइम। सारिका, इंडिया भूटान साइन पैक्ट फॉर फर्स्ट जॉइंट Hydel Power Project, 600 megawatt Kholongchhu venture termed as a milestone entice. Kholongchhu, right? Kholongchhu venture, joint venture, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है इंडिया भूटान रिलेशनशिप में कि किसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को 50-50 जॉइंट वेंचर बेसिस पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और ना कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अग्रीमेंट के बेसिस पे किया जाएगा. जस्ट वन मिनट. यस, सो उपासना, सीबीआई का भी यहाँ पे एक गलती थी उसमें कि बाय द टाइम दी सीबीआई अराइव्ड, जैसे कि डीके रवि केस है, अगर आप बोल रहे हो तो मैं बता देता हूँ, इट वाज नॉट द लैक ऑफ फॉरेंसिक टीम. यस, पुलिस ऑफिशियल्स आप लगता है कि आप पूरी नेटफ्लिक्स की वो सीरीज़ देख के आए हो, तो आई कैन नॉट कम्पीट विद यू ऑन दिस फ्रंट. नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ है ना दिल्ली रेप केस की, तो आप शायद वो देख के आए हो, तो आई कैन नॉट बी एज कॉम्पिटेंट एज यू. बट डी के रवि केस में ये सारी जो चीज़ें हैं, एक प्रोटोकॉल लेके आना है. अब आप ये बता रहे हो तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ हमें क्या करने की ज़रूरत है कि एक प्रोटोकॉल होना चाहिए. हमारी कंट्री में आज क्या होता है, क्राइम को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है. क्राइम को मैनिपुलेट करने के लिए पहले कभी कभी सेंसेशनल केसेस में CID आती है और पूरा प्रूफ स्टेट केसेस में, अगर स्टेट के चीफ मिनिस्टर या कुछ ऑफिशियल्स हैंड इन ग्लव हैं, तो पहले स्टेट CID सारा प्रूफ इरेज कर देती है, उसके बाद CBI को इंक्वायरी सौंप दी जाती है ना. चाहे हम डीके रवि केस देखें कर्नाटका, वहाँ पे भी कुछ ऐसे एलिगेशंस लगे, और MM कालबर्गी केस देखें या गौरी लंकेश मर्डर देखें कर्नाटका में, जब कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, है ना. नाउ ओके, यू आर अ फॉरेंसिक स्टूडेंट, सो दिस इज देयर. नाउ कमिंग हेयर, okay, you have done the case studies, nice that you are adding value to our DNA. now CID CBI, ये जो कोऑर्डिनेशन है, अगर टॉर्चर लॉ लाया जाएगा तो उसमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए कि कोई इल इक्विप्ड जो ऑफिसर्स हैं या कॉन्स्टेबल्स हैं या जो जूनियर कार्डर के ऑफिसर्स हैं, बिना कैमरा, बिना CCTV कैमरा और बिना फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के वहाँ कदम भी नहीं रखेंगे. अभी क्या होता है, पुलिस वाले वहाँ पे जैसे दिखाया गया है उस डॉक्यूमेंट्री में कि पान खा रहे हैं, पान थूक रहे हैं, उससे क्या होता है, फॉरेंसिक पूरा जो प्रूफ है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे कि अभी हम सुशांत सिंह केस में भी देख सकते हैं, अगर पहले वहाँ पे फॉरेंसिक टीम को भेजा गया होता तो शायद कुछ और अंजाम निकल सकता था ना. दिस इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ गेस्टिमेशन ऑन माई पार्ट, बट हाँ, फॉरेंसिक एक्सपर्ट शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू अराइव एट द क्राइम ऑफ scene of crime when it is the crime is having some elements of biological nature, है ना. कोई biological proof वहाँ से collect किया जा सकता है. तो ये पूरी capabilities पुलिस की enhance करी जाएँ, उसके बाद torture convention को sign किया जाए. otherwise कन्वेंशंस तो हमने पहले भी कई साइन कर रखी हैं, वो तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कर रखी हैं, तो USA ने भी कर रखी हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा. ऐसे पुख्ता इंतज़ामात के बाद किए जाएँ ये कन्वेंशंस को साइन. नाउ इंडिया एंड भूटान टुक अ मेजर स्टेप फॉरवर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द 600 मेगावाट खोलोंगचू प्रोजेक्ट, देयर फर्स्ट हाइड्रो पावर जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट इन द भूटान्स लेस डेवलप्ड ईस्टर्न रीजन एट अ टाइम व्हेन नेपाल इज मूविंग आउट ऑफ इंडियाज ग्रिप in terms of relationship with India. India is trying to maintain, to keep the relationship with Bhutan in good stead, है ना. अच्छी तरह से हम उस रिलेशन को जो है मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं एट अ टाइम व्हेन बांग्लादेश हैज़ बीन गिवन अ टैरिफ फ्री कस्टम्स ड्यूटी लाइन बाय चाइना. बांग्लादेश के साथ में टाई स्ट्रेंथन करता हुआ कौन, चाइना. हम भूटान को अपनी ग्रिप में रखने की कोशिश कर रहे हैं, और म्यांमार भी कुछ ज़्यादा हमारे करीब नहीं है, क्योंकि मिलिट्री जनता आज भी वहाँ पे दे कॉल दी शॉट्स. मिलिट्री जनता जो कि काफ़ी टाइम तक म्यांमार में पावर में रही, इवन दो सिविलियन गवर्नमेंट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, बट द पावर, अ लॉट ऑफ पावर इज़ एक्सरसाइज्ड बाय मिलिट्री जनता. तो ऐसे सिचुएशन में ये भूटान की न्यूज़ का आना एक गुड न्यूज़ है हमारे लिए, एक राहत की बात है. बट फॉरेन मिनिस्टर्स कॉल्ड द अग्रीमेंट अ माइलस्टोन. बोथ द फॉरेन मिनिस्टर्स इंडिया भूटान पार्टनरशिप में under which 4 hydro power projects have been built in the last 30 years totaling a capacity of 2100 megawatt and another 2 are under construction. So this is there. Now the Kholongchhu project is one of the 4 additional projects agreed to in 2008 as a part of India's commitment to help Bhutan create a total 10,000 मेगावाट कैपेसिटी ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बाय 2020। तो हम क्या करते हैं, हम कमिटमेंट इतना कर देते हैं कि अकाउंट में 15 लाख आएंगे, भूटान को बोल दिया 10,000 मेगावाट करेंगे, 2020 तो ऑलरेडी आ गया, तो 10,000 मेगावाट कैसे होगा, राइट। म्यूचुअली बेनिफिशियल, द हाइड्रो पावर सेक्टर हैज़ बीन द मोस्ट विजिबल सिंबल ऑफ द म्यूचुअली बेनिफिशियल बायलैटरल कोऑपरेशन बिटवीन आर टू कंट्रीज। अग्रीमेंट साइन बिटवीन जॉइंट वेंचर पार्टनर्स सतलुज जल विद्युत निगम, आ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड भूटानीज ड्रूक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन। ये अग्रीमेंट 2014 में साइन किया गया था। द इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट फॉर खोलोंगचू प्रोजेक्ट वॉज साइंड after prolonged negotiations on the structure of the joint venture in April 2014, and the foundation stone was laid when Prime Minister travelled to Thimphu, Bhutan a few months later. तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी के concerted efforts की वजह से, जैसे ही वो पावर में आए थे तो उन्होंने पहला दौरा जो है भूटान का किया था, है ना। तो उस टाइम थोड़ा कुछ गलत बोल गए थे, वो एक अलग बात है, लेकिन उसके बाद दोबारा से उन्होंने जो है इसके लिए आगे दोबारा से विजिट वहाँ पे किया और इसको कंक्लूजन में इसकी वहाँ पे मदद की गई। हाउ एवर द प्रोग्रेस ऑन प्रिपेयरिंग द साइट ग्राउंड टू अ हॉल्ट, यानी कि जो प्रोग्रेस है वो पूरी की पूरी प्रोग्रेस रुक गई इन दिसंबर 2016 ओवर इंडियाज़ न्यू पावर टैरिफ गाइडलाइंस। तो इंडिया की जो न्यू पावर टैरिफ गाइडलाइंस हैं उसकी वजह से भूटान को जो अग्रीड पावर टैरिफ, जो रेट हमने पे करना था, वो हमने नहीं किया, राइट। सो दिस इज़ देयर कि हम वो पावर गाइडलाइंस में भूटान के लिए एक्सेप्शन क्रिएट करी गई, उसके बाद ही इस प्रोजेक्ट पे काम आगे बढ़ाया जा सका। अंटिल द गवर्नमेंट अमेंडेड इट्स गाइडलाइंस आफ्टर नेगोशिएशंस विद भूटान गवर्नमेंट। भूटान फॉरेन मिनिस्टर सेड द डिले हैड सम बेनिफिट्स एज मेनी इश्यूज ऑन द ग्राउंड वर आयरनड आउट ड्यूरिंग द पीरियड। तो इसीलिए अब कंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट फाइनलाइज्ड, द कंस्ट्रक्शन फॉर द Kholongchhu hydroelectric power project will begin soon and be completed in the second half of 2025. क्लियर? नाउ इसके बारे में कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स बताना चाहूँगा। 2013 में भूटान में इलेक्शंस ड्यू थे। उस टाइम पे भूटान की जो उस समय की सरकार थी, वो चाइना से अपनी करीबियाँ, चाइना से अपने रिलेशंस बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, बीपीसीएल, आईओसीएल जो गैस सब्सिडी दी जाती थी, 2013 के इलेक्शन से ठीक पहले एलपीजी सिलेंडर्स भूटान को इंडिया कंसेशन पे सप्लाई करता है। तो हमने एलपीजी सब्सिडी तो छोड़ो, हमने एलपीजी पाइपलाइन से सप्लाई की जाने वाली गैस का वॉल्व जो है बंद कर दिया, हमने गैस सप्लाई को कट कर दिया। इससे भूटान की जो सरकार है, लोगों की डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स बढ़ने के चलते वो सरकार वहाँ पे हार गई। और अब जो नई सरकार आई 2013 के बाद, इलेक्शंस के बाद, वो प्रो इंडिया है, इंडिया फ्रेंडली गवर्नमेंट है। और इसी के दौरान हमने भूटान के साथ में अपनी एक ट्रीटी 2007 में भूटान ने ये कहा कि जो भूटान इंडिया फ्रेंडशिप ट्रीटी है उसमें भूटान को ये कहा गया था पहले की पुरानी ट्रीटी में कि भूटान इंडिया जो है, इंडिया भूटान अगर किसी भी कंट्री के साथ में रिलेशनशिप को रखना चाहेगा, फॉरेन रिलेशंस को मेंटेन करना चाहेगा, तो इंडिया की परमिशन पहले लेनी होगी। 2007 में हमने इस ट्रीटी को भी रिवाइज़ किया टू रिफ्लेक्ट, टू मेक इट लुक एज इफ भूटान इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री। उस पुरानी ट्रीटी में तो ऐसा लग रहा था कि भूटान इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया, कुछ ऐसा लग रहा था ना। लेकिन अब भूटान को ये हक हैं, इस वजह से भूटान की जो सरकार है और भूटान के जो लोग हैं वो ये नहीं समझते कि इंडिया भूटान को डोमिनेट कर रहा है। इसी तरह से नेपाल भी हमें काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट करते हुए आ रहा है कि हम इस ट्रीटी को रिवाइज़ करें। नेपाल इंडिया जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है उसमें नेपाल का इंडिया के अधीन होना ये गलत सा लगता है, राइट। उसको रिवाइज़ करना ज़रूरी है। और फिर 2017 में इंडिया ने इस ट्रीटी के, 2007 की इस ट्रीटी के रिवाइज़ होने के बावजूद भी इंडिया ने भूटान को प्रोटेक्ट किया फ्रॉम चाइनीज़ अग्रेशन इन दी डोकलैम। अगर ये भूटान का मैप है तो यहाँ पे डोकलैम है जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वेस्ट बंगाल में जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके पास पड़ता है। तो इंडिया ने डोकलैम में जो चाइना कब्ज़ा जमा रहा था उसको रोकने में इंडिया काबिल रहा। और भूटान ने इंडिया के इंटरफेरेंस पे कुछ नहीं कहा कि दिस इज़ अ म्यूचुअल मैटर बिटवीन भूटान एंड चाइना एंड भूटान इसे खुद से सुलझाएगा। इंडिया की इंटरवेंशन को सही मायने में लिया उस टाइम पे भूटान ने, राइट। अब आगे आते हैं 2015 के सार्क मोटर व्हीकल्स अग्रीमेंट पे। 2015 में इंडिया ने सार्क मोटर व्हीकल्स अग्रीमेंट की पेशकश की, प्रेजेंट किया कि हम सार्क मोटर व्हीकल्स अग्रीमेंट रखते हैं जिससे कि सभी सार्क कंट्रीज से कॉमन नंबर प्लेट जो ट्रक्स होंगे जो कि सार्क रूट पे, सार्क कंट्रीज़ के रूट पे चलना चाहेंगे, एक दूसरे की कंट्री में जाने से पहले ट्रक को कोई परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। कार्गो ट्रक्स जो हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो हैं, वो इंडिया से भूटान, भूटान से नेपाल, नेपाल से बांग्लादेश, ये सभी कंट्रीज़ में फ्रीली जा पाएंगी। लेकिन भूटान ने ये कहा कि ये जो सार्क मोटर व्हीकल्स अग्रीमेंट है इसके चलते भूटान को 6 लेन हाईवेज़ या 4 लेन हाईवेज़ बनाने पड़ेंगे, जबकि भूटान जो है एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन से बचना चाहता है और भूटान का स्टेटेड गोल है एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन, इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करना। इसीलिए भूटान ने इससे ऑप्ट आउट कर लिया था। इससे इंडिया को तगड़ा झटका लगा था, जबकि भूटान की इंटेंशन क्लियर थी। भूटान ने इसलिए कुछ ऐसा ऑब्स्टेकल क्रिएट नहीं किया क्योंकि वो इंडिया के लिए ट्रबल्स क्रिएट करना चाहता था, लेकिन भूटान ने इसलिए ऐसा किया कि ये भूटान की जो पार्लियामेंट है उसने इसे अप्रूव नहीं किया था, बेसिकली बिकॉज ऑफ द स्टेटेड रीज़न दैट इट वुड हैव अ लॉट ऑफ अनवांटेड इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी ऑफ भूटान। और ये बात जो है भूटान की सही भी थी। इस वजह से वो प्रोजेक्ट जो है हैमस्ट्रिंग हो गया, वो प्रोजेक्ट मोटर व्हीकल्स अग्रीमेंट कुड नॉट कल्मिनेट। पाकिस्तान ने ऑप्ट आउट कर दिया, फिर धीरे धीरे से ये प्रोजेक्ट जो है, द एयर आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट फिजल्ड आउट, तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है फ्लॉप हो गया। तो इसके बाद जब हमने 2017 में अपना नाविक यानी कि इंडिया का जो जीपीएस प्रोजेक्ट है, जब हमने उसको लॉन्च किया, उसकी सर्विसेज को फाइनली लॉन्च किया गया, तो हमने भूटान, श्रीलंका, बाकी की हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, उनको फ्री एक्सेस दिया है इंक्लूडिंग टू भूटान। तो ये है हमारा इंडिया का रीजनल interface, and through regional engagement Bhutan is also getting benefits from India. Sorry for this. Now, तो ये सारी चीज़ें हैं भूटान और इंडिया के बारे में, राइट। यहाँ पे है आपका सिलीगुरी कॉरिडोर, राइट। ट्राई जंक्शन है बिटवीन थ्री कंट्रीज, चाइना, भूटान एंड इंडिया। और ये सिलीगुरी कॉरिडोर आप देख रहे हो कि ये छोटी सी जो ये कॉरिडोर है, चिकन्स नेक कहा जाता है इसे। अगर ये चाइना के कब्ज़े में आ गई या निशाने पे आ जाती तो इंडिया को कल को कट ऑफ किया जा सकता था नॉर्थ ईस्ट से। इसीलिए इंडिया क्या कर रहा है कि बांग्लादेश के रास्ते कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के ज़रिए नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के साथ में अपनी टाइज़ को या इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने की कोशिश करी जा रही है। रेल कॉरिडोर, रोड कॉरिडोर बांग्लादेश के रास्ते बनाए जा रहे हैं और इसमें, इस विषय में बांग्लादेश हमारी पूरी सपोर्ट कर रहा है, राइट। तो ये बैकग्राउंड इसका खुद पढ़ेंगे आप लोग। ईरान इशूज़ अरेस्ट वारंट अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप, छोटी सी न्यूज़ है क्योंकि जो इनके लीडर हैं, कमांडर हैं, जिनको मार दिया गया था, उसके चलते ईरान ने ये कहा है कि ये 11 और लोग हैं डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में जिनकी वजह से सोलेमनी को मार दिया गया था, राइट। इज़राइल, ईरान के जो है बहुत इंपॉर्टेंट कमांडर को यूएसए ने मार गिराया था ड्रोन अटैक के चलते, उसके चलते ये कहा गया था। अब आपके लिए फैक्चुअल न्यूज़ ये है, इंटरपोल बेस्ड इन लियोन, कहाँ पे है इंटरपोल? फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर्स है, राइट। तो इंटरपोल को ये कहा गया रेड नोटिस इशू किया जाए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। यस, बांग्लादेश में भी शेख हसीना की जो है प्रो इंडिया गवर्नमेंट है, तो इंडिया को उसका पूरा फ़ायदा लेना चाहिए। उनके लिए हम जो है दिक्कतें, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं बांग्लादेश के लिए बाय मेकिंग दीज स्टेटमेंट्स कि खैरात में मिला है, ये बांग्लादेश ने जो चाइना के साथ में डील करी है, ये सब चीज़ें। ईरान हैज़ इशूड एन अरेस्ट वारंट एंड आस्क्ड इंटरपोल फॉर हेल्प इन डिटेनिंग यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड डजन्स ऑफ अदर्स इट बिलीव्स कैरिड आउट द यूएस ड्रोन स्ट्राइक दैट किल्ड अ टॉप ईरानियन जनरल इन बगदाद लास्ट ईयर, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, नॉन न्यूज़ है, ये हमारे काम के नहीं है। कासिम सोलेमानी को मारा था यूएसए ने, उसके चलते ये रेड नोटिस इशू किया गया होगा तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ एक लो है यहाँ पे। यूएन डिक्लेरेशन डिलेड ओवर क्लाइमेट टेक्स्ट, यूएस रेजेस कंसर्न ओवर अ पैराग्राफ ऑन क्लाइमेट इन कोमेमोरेटिव डिक्लेरेशन। तो जो 75th एनिवर्सरी यूएन चार्टर 75th एनिवर्सरी होने जा रही है यूएन चार्टर की, जब 1945 में यूनाइटेड नेशंस केम इनटू बीइंग। अब उसकी 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस में जो टेक्स्ट अडॉप्ट किया जा रहा है कोमेमोरेटिव एनिवर्सरी को, उस टाइम पे जो टेक्स्ट रीड किया जाएगा उसमें एक पैराग्राफ क्लाइमेट पे है। उस पैराग्राफ के चलते यूएसए ये कह रहा है कि ये क्लाइमेट की तरफ जो इशारा है इसे डिलीट किया जाए। मेरा ये पूछना है यूएसए से कि तुमने बड़ा, अगर उसमें क्लाइमेट दो बार भी लिख दिया जाए क्लाइमेट क्लाइमेट क्लाइमेट, तो तुमने बड़ा उसको कुछ इम्प्लीमेंट करना है, राइट। तो ये वही वाले काम करते हुए यूएस प्रशासन बेकार आदमी, कुछ किया कर सिले कपड़े उधेड़ के फिर से सिया कर, है ना। यूएस ब्रोक साइलेंस अ प्रोसेस कर, हमने समझा था कि साइलेंस क्या होता है। एट द ऑपर्चुन टाइम नीटू, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन पूछो कि कोई फ़ायदा नहीं है ना। बांग्लादेश और म्यांमार की जब बात आएगी तो जरूर बताऊंगा। यूएस ब्रोक साइलेंस अ प्रोसेस अंडर विच अ स्टेटमेंट पासेज इफ नो मेंबर स्टेट ऑफिशियली ऑब्जेक्ट्स विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। अगर साइलेंस एक स्टिपुलेटेड टाइम तक मेंटेन करती है, कोई कंट्री ऑब्जेक्ट नहीं करती इस कोमेमोरेटिव टेक्स्ट के अराउंड, अगर कोई क्रिटिसिज्म नहीं आता तो ये मान लिया जाता है कि किसी भी यूएन मेंबर को इस टेक्स्ट से कोई आपत्ति कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो द यूएसए ब्रोक साइलेंस अ प्रोसेस अंडर विच अ स्टेटमेंट पासेज इफ नो मेंबर स्टेटमेंट इज ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड इफ नन ऑफ द यूएन member state officially objects within a given time frame on the document over which the concerns about the climate related paragraph। तो यूएसए ने अपनी साइलेंस इस पर तोड़ दी है, तो इस वजह से अब इसे रिवाइज किया जाएगा। लाइन्स ऑन क्लाइमेट इन डिक्लेरेशन इंक्लूड वी नीड टू अडेप्ट टू सर्कमस्टांसेज एंड टेक ट्रांसफॉर्मेटिव मेजर्स, वी हैव अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड बैक बेटर एंड ग्रीनर। तो यूएसए को इन बातों से ऑब्जेक्शन है, यूएसए को ये लग रहा है कि इनको फिर दोबारा से पेरिस डील इम्प्लीमेंट करने को कहा जाएगा। अगर कहा भी जाएगा तो यूएसए ने तो इतनी बेशर्मी से ऑप्ट आउट कर ही लिया है, तो अब इसको डिले करना इज़ अ टैक्टिक ऑन द पार्ट ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प टू स्टैंड आउट एंड शो टू द अमेरिकन्स दैट सी ही इज़ पावरफुल, ही इज़ मेकिंग यूएसए पावरफुल इन यूनाइटेड नेशंस एज वेल। और कुछ नहीं है इसमें। आगे चलते हैं। ये H-1B बैन जो है हैज़ नथिंग टू डू विद सेविंग अमेरिकन जॉब्स, तो ये इनका कहना है कि अमेरिकन जॉब्स इससे बचेंगी नहीं। ये सारी चीज़ें कुछ फ़ायदा नहीं है इसको पढ़ने का, इसे स्किप करूँगा आज मैं। इकोनॉमी एंड इंटरनल सिक्योरिटी, फ्यूल प्राइजेस हाइक इज एन एक्सटॉर्शन। तो ओपोजिशन लीडर्स का ये कहना है कि तेल के दामों में जो इंक्रीज़ करी जा रही है वो एक फिरौती की रकम वसूल रही है सरकार, एक्सटॉर्शन है। और इसी के ऊपर बयान दिया है हमारे धर्मेंद्र प्रधान ने, काफ़ी अच्छा इन्होंने बोला है यहाँ पे। 65,000 करोड़ रुपीस इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट हैज़ ट्रांसफर्ड मोर देन 65,000 करोड़ रुपीस टू 42 करोड़ पीपल इन लास्ट 3 months। तो इन्होंने ये कहा ये जो पैसा आता है ये यहीं से आता है, कहाँ से, जो टैक्स वगैरह एक्स्ट्रा लगाया जा रहा है, राइट। तो जो ये फ्यूल टैक्स लगाया जा रहा है उसी से ही ये पैसा जनरेट होता है, तो इतना सही है इसमें। बाकी सब ये राजीव गांधी फाउंडेशन के खिलाफ इन्होंने बोला है, जो कि हमारे मतलब का नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान ने ये कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को एलिजिडली कुछ पैसे मिले हैं प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड से, और चाइनीज़ एम्बेसी इन इंडिया ने भी राजीव गांधी फंड में कुछ पैसे डोनेट किए हैं। और फ्यूजिटिव भगोड़ा डायमंड ट्रेडर मेहुल चौकसी, जो कि पीएनबी के 11,000 करोड़ लेके भाग गया, उसने भी राजीव गांधी फाउंडेशन में कुछ पैसे डोनेट किए हैं। तो कांग्रेस उनके बारे में क्यों नहीं बताती, राइट। तो ये पॉलिटिकल टसल है दोनों के बीच में। विल फ्री ग्रेन स्कीम स्टे, 21 states of India have already written to the government to extend the Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana, जिसके तहत 5 kg of food grains, rice or wheat and 1 kg of pulses are being given to the beneficiaries in the light of COVID-19 pandemic। तो लोगों को जो 5 kg राशन एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, 1 किलो पल्सेस दिए जा रहे हैं, क्या उसे कंटिन्यू किया जाएगा या नहीं. अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय यूनियन फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री, 116 लाख टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स हैव बीन लिफ्टेड अंडर द स्कीम. Right. In April, 93% of the grains allotted to the states was distributed, targeting 74.05 crore beneficiaries. तो ये भी एक अटकलें हैं कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ये कहना है कि अभी तक स्टॉक जो है अच्छा है, right? काफ़ी अच्छा है. 550 लाख टन्स ऑफ wheat is there in the गोडाउन्स ऑफ FCI, 266 लाख टन्स ऑफ राइस. तो इसे FCI ने ये जो बफर स्टॉक रखा था किसी ऐसे आपातकालीन टाइम के लिए रखा था, एमरजेंट सिचुएशन के लिए रखा था. तो अब जब एमरजेंसी है तो इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, और अगर ये नहीं किया गया तो ईच मंथ ओनली अबाउट 55 लाख टन्स इज रिक्वायर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू राशन कार्ड होल्डर्स. और आगे प्रोक्योरमेंट आने जा रही है, और अगर इस इन गोडाउन्स को खाली नहीं किया गया फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करके, तो देयर इज़ अ डेंजर ऑफ फूड ग्रेन्स रॉटिंग, फूड ग्रेन्स और ख़राब होने लग जाएंगे, राइट? तो इससे बढ़िया है कि चूहे खाएंगे तो लोग खा लें जिनके पेट में चूहे कूद रहे हैं ना. तो ये सोचना चाहिए, प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग जो है, स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए सरकार में, जो कि यहाँ पे लैकिंग पाई जा रही है. 21 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स ने ऑलरेडी प्रेम पत्र लिखा है सेंटर को कि इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. आज इसी पे ही फटाफट से एडिटोरियल भी हम देखेंगे. यहाँ पे पोर्टल फॉर स्ट्रीट वेंडर्स लोन स्कीम, इसके बारे में प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ डिटेल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, ये हमने पिछले दिनों डील किया था, बेसिक डिटेल्स हैं. स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 में लाया गया था. द एक्ट वाज पास्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेजिस्लेटिव रिकग्निशन दैट स्ट्रीट वेंडर्स कॉन्स्टिट्यूट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर अर्बन इकोनॉमी. इट ऑल्सो एम्पावर्स द पीपल टू प्रोवाइड these vendors to provide affordable as well as convenient services to a majority of urban population. सब्जी वाला और बैंगल्स, प्लास्टिक वेयर्स जो हमारे कॉलोनीज़ में, लोकेलिटीज़ में बेचने आते हैं, या फिर जो नियर बाय मार्केट्स हैं उनके लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था. होता क्या था कि पुलिस वाले इनसे हफ्ता वसूली, और म्यूनिसिपल बॉडीज़, कुछ एरियाज़ में ऐसा पाया गया कि पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस कांस्टेबल्स रंगे हाथों भी पकड़े गए इनसे 200-300 रुपये कलेक्ट करते हुए. और ऐसी हैरेसमेंट इनकी डेली बेसिस पे होती थी. म्यूनिसिपैलिटी ऑनर्स, म्यूनिसिपैलिटी के जो ऑफिसर्स हैं, क्लर्क्स हैं, वो भी इनसे पर्ची काटने के नाम पे हफ्ता वसूली करते थे. तो इसीलिए एक कमेटी बनाई गई कि इनको खाली नहीं कराया जाएगा. ये जहाँ पे भी अपना स्टॉल वगैरह लगा रहे हैं तो इनको वहाँ से बिना स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी के लाइसेंस के अगर ये लगा रहे हैं तो ही खाली कराया जाएगा. टाउन वेंडिंग कमेटी के अप्रूवल के साथ यदि ये कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट? बाकी की चीज़ें आप खुद पढ़ोगे. और अब आते हैं पीएम स्वनिधि, माइक्रो क्रेडिट स्कीम फॉर स्ट्रीट वेंडर्स. बहुत ही अच्छी स्कीम है. देखो, पुलिस वालों के चंगुल से या हैरेसमेंट से बचाने के लिए ये एक्ट ला दिया गया. मैं सभी पुलिस वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कांस्टेबल रंगे हाथों ब्राइब लेते हुए, जो म्यूनिसिपल फंक्शनरीज रंगे हाथों जो है ब्राइब लेते हुए पाए गए. इनके चंगुल से तो इन्हें बचा दिया. तीसरा एक जो साहूकार जो इनको ब्याज पे पैसे देते हैं एक्सॉर्बिडेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, उनके शैकल से, उनके चंगुल से इन्हें छुड़ाना भी ज़रूरी था. अब सरकार ये स्कीम लेके आई है कि इन्हें 10,000 रुपये दिए जाएंगे, विच इज़ रीपेएबल इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स. यानी कि इनको 500 रुपये एक हफ्ते के लिए ब्याज नहीं देना पड़ेगा. सिर्फ 5,000 रुपये लेते हैं ये लोग और इन्हें 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है एक महीने का. तो इसीलिए ये स्कीम लाई गई, राइट? तो स्कीम बहुत अच्छी है. मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आता है स्ट्रीट वेंडर्स का ये सब्जेक्ट. आपको ये मिनिस्ट्री प्रीलिम्स के लिए याद रखनी है. एंड द वेंडर्स कैन अवेल अ वर्किंग कैपिटल लोन ऑफ अप टू ₹10,000 विच इज़ रीपेएबल इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स विद इन 1 year. द लोन्स वुड बी विदाउट एनी कोलैटरल. इनको कुछ गिरवी भी नहीं रखना है. एंड देन माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव बीन अलाउड इन अ स्कीम. पहली बार ऐसा हुआ है कि ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस को, तीनों इंस्टीट्यूशंस को इसमें अलाउ किया जाएगा. NBFC, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर द अर्बन पुअर ड्यू टू देयर ग्राउंड लेवल प्रेजेंस एंड प्रॉक्सिमिटी टू द अर्बन पुअर इंक्लूडिंग स्ट्रीट वेंडर्स. देयर विल बी नो पेनाल्टी ऑन अर्ली रीपेमेंट ऑफ लोन. Early repayment is a clearance of debt or loan before the scheduled time. Many banks and lenders charge penalties for repaying loans early. Those who were vending till 24th March 2020 can avail the benefits of the scheme. क्यों ये अब थोड़ा सा यहाँ पे अटपटा है. देखो पहले जो हाय वाले थे वो भी आज चाय वाले बन गए हैं ना. काफ़ी ऐसा हुआ है कि जो 24 मार्च के बाद जिन लोगों का रोज़गार चला गया वो चाय वाले बन गए हैं, तो उनको भी स्कीम में इंक्लूड करा जाना चाहिए. जो सिर्फ 24 मार्च लॉकडाउन से पहले वेंडिंग कर रहे थे, ठेला लगा रहे थे, सिर्फ वो ही नहीं बल्कि बाकी लोगों को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए, है ना. तो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट स्ट्रीट वेंडर्स फ्रॉम सेमी अर्बन, अर्बन और रूरल एरियाज हैव बिकम बेनिफिशरीज ऑफ एन अर्बन लाइवलीहुड प्रोग्राम. द स्कीम इज़ वैलिड अंटिल मार्च 2022. Clear? So this is there now. Interest subsidy भी इसमें दी जाएगी on timely or early repayment. There will be no penalty. Rather, there would be an interest subsidy of 7% per annum will be credited to the bank account of beneficiary through direct benefit transfer on a 6 monthly basis. Escalation of the credit limit, जो regularly अपनी EMIs पे करते रहेंगे उनके लिए अपने आप credit limit 10,000 से बढ़ के 20,000 रुपये हो जाएगी, right? तो early repayment of loans, if a street vendor repays the installments on time or earlier, he or she can develop his or her credit score that makes him or her eligible for a higher amount. The scheme incentivizes digital transactions by the street vendors through monthly cashback. So all this is there. Then इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे आप, right? E-governance और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में कोलैबोरेशन रहेगा, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन होगा. मेरा मानना ये है कि हमें इनको जनधन अकाउंट के साथ में तो हमने लिंक कर दिया और जनधन अकाउंट ऑलरेडी आधार के साथ में लिंक्ड है, और भी लोगों को इनकॉर्पोरेट किया जाए, इनका पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन किया जाए प्रॉपरली हर टाउन एरिया में, जो है विजिट करवा के पुलिस ऑफिशियल्स को या म्यूनिसिपैलिटीज़ को बोला जाए. ये सारी चीज़ें करने से काम आसान होगा और जो इनके NPS की प्रॉब्लम है वो कम रहेगी. अगर कोई एक बार लोन लेके पैसे नहीं चुकाता तो वो अगली बार लोन ले ही नहीं पाएगा लाइफ टाइम, जब तक वो पुराना लोन नहीं चुकाता. ये डर भी रहेगा और इससे क्या होगा, NPS नहीं होंगे. NPS नहीं होंगे, ये स्कीम को अच्छे से लॉन्ग टर्म में चलाने के लिए सरकार के पास रीज़न रहेगा. NPS अगर हो जाएंगे तो बाकी स्कीम्स की तरह इस स्कीम को भी बंद करना पड़ेगा, राइट? तो इसलिए गवर्नमेंट मस्ट अलाउ एयरलाइंस कमर्शियल फ्रीडम. अब यहाँ पे आप देखोगे तो कापा यानी कि हमारी जो सिविल एविएशन जो प्राइवेट एयरलाइनर्स की बॉडी है, उन्होंने सरकार को ये बोला है कि आप एयरलाइंस को कमर्शियल डिसीजंस क्यों नहीं लेने देते. अगर कोई पैसेंजर एयरक्राफ्ट है और उसमें अगर वो बैगेज फ्री अलाउंस देना चाहता है, अगर कोई कस्टमर बिना बैग के ट्रैवल करता है तो उसको 200 रुपये का कंसेशन मिलना चाहिए, या 400 रुपये अगर कोई कंपनी देना चाहती है, इंडिगो एयरलाइंस, ज़ीरो बैगेज फेयर्स और ये सब अगर करना चाहती है, तो वो कार्गो स्पेस जो है वो एयरक्राफ्ट किसको दे सकता है, किसी कुरियर कंपनी को, गति कुरियर को, और ये, और उससे उसकी कमाई ज़्यादा हो जाएगी, है ना. 15 किलो का एक नॉर्म है कि आपका जो हैंड बैगेज है 7 kg हो सकता है, आपका जो मेन बैगेज है वो 15 kg तक हो सकता है. अब 7 kg जो है हैंड बैगेज तो अलाउड है, 15 kg अगर कोई बैगेज नहीं लेके आना चाहता तो ये स्पेस फ्री जाती है, खाली जाती है. क्यों ना इंडिगो जैसी छोटी लो बजट जो एयरक्राफ्ट कंपनीज़ हैं, सिविल एविएशन कंपनीज़ हैं, उनको ये छोटी छोटी चीज़ें अलाउ करी जाएँ, है ना, कि वो अपना जैसे कमर्शियल डिसीजन लेना चाहते हैं उन्हें लेने दिए जाएँ. काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें नहीं करने दी जाती इन दी नेम ऑफ ओवरलोड, या फिर कुछ ऐसा होगा कि पैसेंजर्स के जो राइट्स हैं उनका वायलेशन ना हो. तो द गवर्नमेंट मस्ट सीज टू कंट्रोल कमर्शियल डिसीजंस ऑफ इंडियाज़ एयरलाइंस टू इंश्योर देयर सर्वाइवल फॉलोइंग द फाइनेंशियल सेटबैक्स कॉज्ड बाय एयर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस नेसेसिटेटेड बाय COVID-19. Okay, they are allowing 20 kgs. Thanks for updation. Now, the removal of curbs would enable airlines to tap into sources of ancillary revenue such as extending zero baggage fares. Zero baggage मतलब अगर किसी के पास baggage कुछ भी नहीं है उसको भी in a way inbuilt 200-400 रुपये का charge देना पड़ रहा है, है ना. तो एयरलाइंस का दो तरह से नुकसान होता है. एक तो ये कि उनकी टिकट अगर 15,000 की होगी तो 15,400 की हो जाती है, इनबिल्ट बैगेज चार्जेस इसमें इंक्लूड कर लिए जाते हैं। दूसरा, इससे नुकसान किसको होता है? एयरलाइन कंपनी को, जो ये खाली स्पेस है वो कुरियर कंपनी को, इंडिया पोस्ट को या किसी को आम की पेटी भेजनी है अपने गांव, उसके लिए दिया जा सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। वाइल दोज विद बैगेज वुड पे एन एक्स्ट्रा फ़ी दस प्रोवाइडिंग एयरलाइंस अ न्यू सोर्स ऑफ इनकम। जो बैगेज लेके आएंगे उनको एक्स्ट्रा फ़ी देना पड़ेगा। सेंटर फॉर एविएशन पार्ट ऑफ द एविएशन CAPA estimates that Indian carriers could generate $400 million more per year। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर मैं बात करूं, जैसे इंटरनेट सेवा, डोमेस्टिक एयरलाइंस में इंटरनेट फैसिलिटी के एक्स्ट्रा चार्जेस अलाउ करा जाना चाहिए, है ना, कि इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस हो सकते हैं, लाइक दैट। बाकी इस न्यूज़ में कुछ नहीं है। गवर्नमेंट प्लान्स इंसेंटिव्स टू लिफ्ट ऑटो एक्सपोर्ट्स। अगेन, गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज हैज सॉट अ फीडबैक फ्रॉम ऑटो इंडस्ट्री ग्रुप्स ऑन द इनिशियल प्रपोजल व्हिच सजेस्ट्स गिविंग इंसेंटिव्स ओवर 5 years टू इंक्रीज लोकल प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट फॉर एक्सपोर्ट्स। सो प्रेजेंस इन 10 countries, द इंसेंटिव्स वुड बी बेस्ड ऑन दी सेल्स। कुछ इस तरह से इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं कि अगर टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ व्हीकल्स और कॉम्पोनेंट्स एंड एलिजिबल कंपनीज वुड नीड टू मीट सर्टेन कंडीशन, मिनिमम रेवेन्यू, एक्सपोर्ट्स रेवेन्यू आप लेके आइए और प्रॉफिट इंक्रीज़ कीजिए। प्रॉफिट थ्रेशोल्ड रहेगा कि आपको इतना प्रॉफिट होना चाहिए, और उनकी प्रेजेंस होनी चाहिए इन एटलीस्ट 10 countries, तो ही ये ऑटोमोबाइल कंपनीज़ को ये इंसेंटिव्स का बेनिफिट मिल पाएगा, राइट। तो द मूव इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियाज़ एफर्ट टू क्रिएट चैम्पियन सेक्टर्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, जनरेट जॉब्स एंड बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग, and comes amid the calls by Prime Minister to be self-reliant as a nation. India wants to promote exports and has identified sectors including automobiles for which incentive plans are being designed. To make it a success in the present scenario, India needs to ensure the proposal is not complicated by too many conditions. तो मेरे हिसाब से ये 10 country वाली condition बहुत बड़ी है, isn't it? 5 countries कर दो अभी के लिए। मिनिमम रेवेन्यू जो रखना है वो भी रख लो, प्रॉफिट थ्रेशोल्ड भी रख लो, लेकिन ये क्या मतलब हुआ कि 10 countries में कारें बिकनी चाहिए तो ही ये इंसेंटिव मिलेगा। धीरे धीरे से बढ़ा दो नंबर को, राइट। सो दिस इज देयर। यस, आर्टिकुलेट इज इनफ। ओके, यू डोंट मेक नोट्स, बट गाइज सम पॉइंट्स आई टेल in the flow, okay? There are some unique points which I may not be able to recollect while reviewing the magazine. It is a teamwork, so my teammates are updating the daily news articles on the website www.jatinverma.org on a daily basis, so it would be proper for you to go through that, okay? And some points which I tell which may be unique, which you may not be able to find here in the text PPTs, or you must have seen if you have been following the magazine for at least last 1 month. If you have read the magazine, you must have come to know by now that there are some points which are purely unique, right? तो वो सारे points आप note कर लोगे तो अच्छी चीज़ है, right? So this was all. देन डेली एडिटोरियल्स पे अगर हम आएँ तो कॉशियस बट फर्म, ये आर्टिकल को हम एनालाइज करेंगे फटाफट से। ये मैंने थोड़ा सा इसको ब्रीफ में बता दिया है। वन नेशन वन राशन कार्ड इज़ मिसप्लेस्ड व्हेन व्हाट इज़ नीडेड इज़ अ यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कैन आई टेक योर लीव फॉर नाउ, क्योंकि आई एम फीलिंग अ लिटिल टायर्ड, आई हैवंट हैड एनीथिंग। कुछ ऐसा करूँगा, आई प्रॉमिस यू, कि ऑन सम डे व्हेन देयर विल बी लेसर नंबर ऑफ न्यूज़ आर्टिकल्स, आई विल बी एनालाइजिंग दीज 2 articles, राइट। आई एम फीलिंग स्टार्व्ड, हैवंट हैड एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, तो डीएनए में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये सारे आर्टिकल्स को मैं 1 by 1 जो है एनालाइज कर दूंगा किसी और दिन। आज के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो ये पक्का से सारे आर्टिकल्स अच्छे से कंपाइल करे थे मैंने समझाने के लिए। आई एम फीलिंग हंग्री नाउ। तो ये पक्का गाइज 1 July ऑनवर्ड्स 1 by 1 आप लोग शनाख्त कर लो इन एडिटोरियल्स की, देख लो इन्हें अच्छे से। आई हैव अ क्लास एट 11, सो दैट्स वाई आई वुड लव टू एनालाइज दीज, राइज, बट थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट है अभी। तो इनको अच्छे से देख लो और मुझे रोज़ ताने मारते रहना अगर मैंने पहले हफ्ते में इनको नहीं किया, है ना। तो धीरे धीरे से इन्हें कर लेंगे, क्योंकि आज न्यूज़ आर्टिकल ज़्यादा थे इसीलिए ये करना ज़रूरी था, राइट, नहीं तो हम सीधा ही एडिटोरियल्स पे आ जाते। आज के आर्टिकल्स नॉनदलेस आर क्वाइट गुड। थैंक यू गाइज, बाय बाय। So this is there now coming here. Thank you guys. As I said, चलते चलते बताना चाहूँगा, it's my duty to tell you all, it's my professional duty that in case you are intending to join Unacademy Plus, I give you another reason that there is a current affairs course जिसमें कि हम आंसर राइटिंग वगैरह वहाँ पे ये प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी बहुत, और उसी के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी का जो कोर्स स्टार्ट हुआ था कब 24 जून को, राइट, इस कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हो 24 जून को। इसके टाइमिंग रहते हैं 5 PM to 7 PM, राइट, एंड इसके साथ साथ आपको कोड यूज़ करना है JatinYT71 इन ऑर्डर टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन। JatinYT71, क्लियर। थैंक यू गाइज, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। और अपना टाइम टेबल ज़रूर आप लोग बना लीजिए, क्योंकि मंथ ऑफ जुलाई इज स्टेयरिंग एट यू। जो लोग सिंसियर एस्पिरेंट्स हैं, टाइम टेबल बना के अपना काम करो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, धीरे धीरे से चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। पहले जुलाई में अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए टाइम टेबल ज़रूर बनाएं। थैंक यू गाइज, बाय बाय। Jayashree, very nice. So this is there.